بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let's begin a few updates and announcements. As promised, I am going to try and come back to live sessions as much as I can. मेरी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन करते रहें. प्लीज़ मीटिंग को रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट मुझे मत भेजिए. मैं डिक्लाइन कर दूंगा जब भी आप भेजेंगे. ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है जी. तो फ्यू अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स, देन आई गो बैक टू माय मोस्ट आस्क क्वेश्चंस ऑफ माय ईमेल बॉक्स, देन वी टेक लाइव क्वेश्चंस. दैट्स द फॉर्मेट. ओके, लाइव क्वेश्चंस में से ही मैं अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स कर रहा हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन ज़्यादातर यू नो टूर के सोर्स कोड के क्वेश्चन होते हैं, वो अपडेट्स उसी से बनती हैं. अरबी का बैच, नेक्स्ट बैच 1st of September को लॉन्च कर रहे हैं सारे बैचेस. मैथमेटिक्स का बैच 2 इंशाल्लाह 1st of September को, इमोशनल इंटेलिजेंस 1st of September को, क्रिटिकल थिंकिंग इसको शायद मैं आगे कर दूँ, मगर प्रॉब्ली मोस्ट प्रॉब्ली 1st of September को. फिजिक्स 1st week of September को इंशाल्लाह, राइट आफ्टर मैथमेटिक्स. बैच 1 फिजिक्स, वेरी एक्साइटेड टू लॉन्च बैच 1 फिजिक्स, बैच 2 मैथमेटिक्स. ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर. कुरान एंड द रिसर्च ऑफ द कुरान, हाउ टू डू रिसर्च ऑफ द कुरान, इसका टाइटल हमने अनाउंस नहीं किया. दिस इज 21 सितंबर को हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है इंशाल्लाह. अभी तक टेंटेटिव है, हमारा पूरा प्लान है कि 21 को हम लॉन्च करते हैं कुरान पाक की रिसर्च. उसके लिए हमने टेस्टिंग मैकेनिज्म बनाया हुआ है. टेस्टिंग मैकेनिज्म का मतलब है कि जो हमारे अरबी के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस ऑब्वियसली हम उनको देंगे, ताकि हम उनको टेस्ट करके इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकें. इट विल बी ओपन फॉर पब्लिक, मगर वो टेस्ट दे के फिर इसमें आएंगे. ठीक है, बेसिक क्या, इसके 3 मॉड्यूल्स हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड. तो मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ अभी. सो टेस्टिंग मैकेनिज्म तीनों के ही हैं, मगर हम पहले बेसिक लॉन्च करेंगे, फिर राइट अवे यू नो इंटरमीडिएट और फिर एडवांस फॉर फ्रेश स्टूडेंट्स. फॉर ऑल सोर्स कोड अरबी स्टूडेंट्स, दे विल नेचुरली गोइंग टू बी यू नो टेकिंग दिस नेक्स्ट स्टेप. हमेशा अरबी के स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि इसके बाद आप क्या करें, जो एडवांस कोर्स कर रहे हैं इस वक्त, जो अरबी का एडवांस कोर्स कर रहे हैं बैच 1 और 2 में से, और 3 में से भी आई थिंक, तो उनको हम फर्स्ट चॉइस देंगे इस कोर्स में. बहरहाल टेस्ट उनका भी होगा. ओके, बिकॉज इस टेस्ट की, इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपके बेसिक्स क्लियर हों. सो मतलब प्री बेसिक्स क्लियर हों, क्योंकि इसमें अरबी का बहुत अमल दखल होगा. सो अरबी के बगैर भी हो सकता है ये कोर्स, मगर आपको इतनी आती होगी वो टेस्ट क्लियर कर दें आप. ठीक है, बेसिक की बात कर रहा हूँ. हदीस की रिसर्च कोर्स 1st October इंशाल्लाह. हमने दोनों साइमल्टेनियस लॉन्च इसलिए नहीं किए, पहले हम एक दफ़ा इस पूरे के पूरे जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ना, इसको एक पर जरूर से काम कर लें. कोर्सेज आर रेडी, करिकुलम इज रेडी, सिलेबस बन रहा है, ऑफकोर्स वो बनता रहेगा साथ साथ. अभी तक हम आपको लेसन प्लान इसको बोलते हैं, हमारे टीचर्स के साथ में आपको इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह कोर्स से पहले करा देंगे जी. दीज आर सोर्स कोड अनाउंसमेंट्स. तजवीद का कोर्स लॉन्च हो चुका हुआ है, अरबी एडवांस का कोर्स लॉन्च हो चुका हुआ है. आप प्लीज वेबसाइट पे जाएं www.sourcecode.academy. सिवाय मेरे अपने ट्रेनिंग कोर्सेज के, जो इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग या टीम मेंटरशिप का कोर्स है, उसके अलावा सारे कोर्सेज के टेस्टिंग मैकेनिज्म्स हुआ करेंगे. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम आपको पता होना चाहिए. क्लासेस की टाइमिंग अपनी मर्जी से रखते हैं. क्लासेस की तादाद के अंदर 4 स्टूडेंट्स होते हैं फिर अरबी और रिलेटेड स्टडीज, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर 7 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में. ओके, 5 डेज अ वीक, मंडे टू फ्राइडे. वीकेंड की स्पेशल क्लासेस होती हैं, हर वीकेंड भी होती हैं, वो होती हैं जिनके खुद क्लास रह गई है. वीकेंड का स्पेशल स्कूल, वीकेंड स्कूल 2025 में प्लान है. हम वीकेंड के ऊपर सिर्फ मेकअप क्लास, मेकअप का मतलब वो क्लास रह गई हो, या फिर कोई ग्रामर की क्लास हो, या फिर ग्रामर की क्लास हो रही है हमारी सेपरेटली, या फिर कोई स्टूडेंट स्पेशली कोई कोर्स के अंदर स्पेशल क्लास ले रहे हो,
तो वो वी कैन डू थिंग. आपकी टाइमिंग चाहे आप ब्राजील में हैं या जापान में, अपनी लोकल शहर के मुताबिक अपनी टाइमिंग रखते हैं. जब आपकी शाम होती है या जब आप फारिग होते हैं, टाइमिंग हमारे स्कूल के स्टूडेंट खुद सेट करते हैं. हम नहीं बताते आपकी क्लास कब होगी, आप बताते हैं आपकी क्लास कब होगी. ओके, ये जरूरी है कि आप सबको पता. सो सेप्टेम्बर 1st से रजिस्ट्रेशन फीस हमने अनाउंस की है. इसकी अनाउंसमेंट, सॉफ्ट अनाउंसमेंट हम जनवरी से कर रहे हैं, मगर हमने अभी तक ऑन की नहीं थी. मगर पाकिस्तानी जो बिहेवियर है ना, उसके वजह से हमें अब मजबूरन से रजिस्ट्रेशन रिफंडेबल होगी, मगर रजिस्ट्रेशन फी होगी. टोटली रिफंडेबल फी, ये आप छोड़ेंगे जब भी आपको कोर्स के बाद आपको ये वापस मिलेगी. जब कोर्स खत्म करेंगे, कोर्स के बाद आपको आपके रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी का पोर्शन होता है आपको, उसकी स्प्लिट आप देख लीजिएगा, वो आपको वापस दे दी जाएगी, वो वाला जो रिफंडेबल पोर्शन सर. ओके, तो ये वेबसाइट पे भी अनाउंस हो जाएगा, आप देख लीजिएगा. ये था सोर्स कोड. अब आते हैं टूर पे, उसके बाद आएंगे हम IMS के अनाउंसमेंट. टूर इंग्लैंड अगस्त लेट सितंबर इज इंशाल्लाह, माय ट्रिप इज इंशाल्लाह इट विल स्टार्ट विद इंग्लैंड. आई एम गोइंग टू प्लान वेरी हैवीली कि मैं नॉर्वे और स्वीडन को, डेनमार्क एंड फिनलैंड को करता हुआ विजिट करता हुआ एटलीस्ट एक सेशन पर कंट्री, एंड डेनमार्क में शायद दो और नॉर्वे में दो, बिकॉज पॉपुलेशन वहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू फिनलैंड. तो स्वीडन की अभी तक मुझे खुद भी नहीं पता दो करने करना है. बहरहाल इनको टच करता हुआ कैनेडा की, अमेरिका की तरफ रुख करेंगे. दूसरी जो अनाउंसमेंट हमने करनी थी वो ये कि शायद अमेरिका पहले और कैनेडा बाद में हो. मोस्ट प्रॉबली ये ड्यूरिंग द इंग्लैंड ट्रिप ही हम आपको उसकी डेट्स और इटिनरी अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह. ओके, इट्स टू टू मे बी थ्री वीक्स प्लान फॉर इंग्लैंड, लेस देन थ्री वीक्स बट मोर देन टू वीक्स मोस्ट प्रॉबली. ओके, सो इट विल बी एज बिजनेस एज यूजुअल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. ये फ्री सेशन है, इंग्लिश की फ्रेज है बिजनेस एज यूजुअल. ये अवेकनिंग टूर के सारे के सारे मेरे सारे पब्लिक सेशन पाकिस्तान में बाहर हम फ्री होते. ओके, सो I hope you have locked in the dates. Scandinavian interested people should approach our team now. Okay, मैंने वापसी पे स्कैंडिनेविया सोचा था, मगर वापसी पे it'll be dead center in the middle of winter. तो वो winter में तो बहुत literally impossible हो जाएगा. Mid Jan, December, this is not going to work for Scandinavia. So we'll go there. We'll do five or six sessions in these 3-4 countries. And हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हम निकल देंगे फिर अमेरिका के लिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो. ओके, अमेरिका की डेट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग, सेंटर ऑफ आर मोस्ट यू नो अवेटेड टूर हमारे अमेरिका का है. तो हम उसकी डेट्स हम इंग्लैंड में अनाउंस करेंगे, बिकॉज उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आपको पता हो उसका मल्टी लेयर प्रोग्रामिंग होनी है अमेरिका में इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो. मल्टी लेयर पेरेंटिंग अलग होनी है, अवेकनिंग टूर अलग चल रहा होगा, टीन एज सेशन अलग चल रहे होंगे जो स्टूडेंट्स के साथ होने हैं. फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है हमारा, हम अमेरिका में ही लॉन्च करेंगे, वो पब्लिक के लिए है, वो एक अलग से एक प्रोग्राम चलेगा इंशाल्लाह. मैनी सिटीज आर लॉक्ड इन, मैनी सिटीज आर अभी मुझे कल से मुझे पुश आ रही, परसों से पुश आ जाएगी ह्यूस्टन से और डैलस से पहले स्टार्ट करें, होस्ट भी वहीं से करें, स्टार्ट भी वहीं से करें, एंड भी वहीं पे करें, बीच में सारा कुछ अमेरिका करें. 16 शहर हैं यहाँ पे जाना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट एंड ऑफ कोर्स टेक्सास एंड शिकागो, सो सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, पैसिफिक जोन, एवरीथिंग इज थोरली कवर्ड. मल्टीपल पॉडकास्ट्स आर ऑलरेडी स्केड्यूल्ड इन प्लान इंशाल्लाह. ये डेट्स हम आपको बताएंगे. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट the IMS launch in the United States of America. I will personally be doing it, inshallah, and connecting IMS UK with them. And then we will have a grand session with IMS UK and IMS US for IMS Pakistan and India, inshallah. This is my IMS and Awakening Tour news and updates. I hope nobody has any more questions about this. If I'm missing something, इन दोनों चीज़ों में से कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो ज़रूर मुझे बताइएगा. एक क्वेश्चन बाबा मुझे आ रहा है कि सोर्स कोड के जो पेरेंट्स के साथ सेशंस हैं, मैंने जून में थॉरली किए थे, थॉरली एवरी बैच एवरी पेरेंट आई मेट
अगस्त के मिड से होपफुली 17-18 से मैं दोबारा से शुरू करूंगा, या मैम साथिया भी दोबारा से शुरू करेंगी, हम दोनों मिलके अलग अलग कंपार्टमेंट्स करेंगे ताकि सब पेरेंट्स से बात हो सके, बार बार हुआ करेंगे, ऑफ कोर्स दिस पार्ट ऑफ द जॉब. ओके, वो जो पेरेंट्स मुझे बार बार करेंगे दोबारा से करें, कोर्स वो ये सोर्स कोड ही is you don't have to ask, we have to do it anyway. This is our job. Okay, so we are hiring Arabic teachers, we're hiring Quran research teachers, we are hiring linguistics professors, we're hiring mathematics teachers, we're hiring physics teachers, and we are hiring many other faculties. sourcecode.academy ki website pe jaye aur aap dekhiye, wahan pe aapko pata chal jayega pura hamara career portal hai, usme jaye apni अरबी के टीचर्स हों या मैथमेटिक्स के टीचर्स हों या फिजिक्स के टीचर्स हों, एनीथिंग प्लीज, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन इन. दैट्स अ परमानेंट करियर, इट्स अ पेड जॉब. ओके, इट्स नॉट वॉलंटियर वर्क. हम वॉलंटियर्स को वैसे भी सोर्स कोड में नहीं, कोई वॉलंटियर वर्क नहीं करने देते. करें जरूर आप, जरूर हम आपको अलॉट कर देंगे, मगर दैट्स नॉट आवर प्रायोरिटी. मैं मना नहीं करूंगा आपको, ये ना आप कहेंगे और ये क्या किया, मगर सोर्स कोड इज अ वेरी controlled environment. You made screen ko Hasan, aapki bhi screen pe aise hi ho raha hai, aapko main screen vibrate hoti nazar aa rahi hai? No, you are clear, everything's fine, voice picture nahi ho, meri screen half mein split ho rahi hai, bar bar like literally shake ho rahi hai. Bas dekh le, par yahi hota hai, ye internet ke masail nahi hai, ye khud shaitan khud hai. Jab aata hai, jaise hi shuru hone lagta hai na mera program, kabhi koi masla nahi aayega, koi naya hi koi masla aata hai mere sath. अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली दफा जूम में मैं देख रहा हूँ मेरी स्क्रीन आधे में स्प्लिट हो रही है, तो चलें, इतना लोड भी नहीं है आज जितना मैं सोच रहा था. कि मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चल रहा है, देखें जरा. बहरहाल चल रहा है तो चलाते हैं, दोबारा से लिंक भेज देंगे, क्योंकि ये यूट्यूब पर तो जा नहीं रहा, हम वैसे लाइव हैं आप लोगों के साथ. यूट्यूब पर मैंने नहीं किया था ये लिंक, आप लोगों को दोबारा उन्हीं ग्रुप्स में आ जाए, ठीक है, अगर ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो तो. जी, सो बिस्मिल्लाह करें आपके क्वेश्चंस के साथ. आई होप सोर्स कोड लेवल के अनाउंसमेंट्स, आईएमएस के अनाउंसमेंट्स, टूर अनाउंसमेंट्स आप तक पहुंच गई होंगी. इस बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई और क्वेश्चन हो तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. जी, अस्सलाम वालेकुम हसन, आपको आवाज आ रही है? यस सर, वी कैन स्टार्ट विद अ गर्ल आयशा जहूर, कैन अनम्यूट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. जी आयशा, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक को 8 साल में सूरह बकरा करवाई थी, तो हमें वो वाली अहदीस या वो मटेरियल कहाँ से मिल सकते हैं? वो वाली अहदीस, वो ट्रेनिंग सेशंस जो नबी अलैहिस्सलाम खुद अबू बकर सदीक को या अबू बकर सिद्दीक ऑब्वियसली हैड द मोस्ट नंबर ऑफ अहदीस विद हिम. आपको तो ये पता ही होगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने समझे कि अबू बकर सिद्दीक को इस सेंसिटिविटी का अंदाजा पूरी तरीके से था. ओके, तो मेरी आवाज आ रही है? यस सर. अच्छा हसन, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन जो है ना, ये देखें, पहले तो फिक्र करती थी, अब मेरी स्क्रीन पूरी तरीके से स्प्लिट हो चुकी है. नहीं नहीं, वो मेरे वाईफाई का इशू है. जी जी, तो कहाँ पे थे हम बेटा? आयशा, आवाज आ रही है आपको? आयशा, हसन, जी आ रही है.
आवाज आ रही तो बताएं प्लीज। ठीक है, आवाज आ मेरे से कोई मसला हो जा रहा है। पूरी उम्मत अबू बकर सिद्दीक के अल्फाज को ऐसे ही लेती है जैसे कि बस इस ही सेकंड टू प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनली, ही इज सेकंड टू आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ओनली। अबू बकर सिद्दीक को रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात का अंदाजा बखूबी है कि उम्मत के सामने उनका कहा गया या उनकी तरफ से रिवायत की गई हदीस का मतलब क्या है। कोई क्वेश्चन दूसरी तरफ होना नहीं है। ना सिर्फ ये कि क्रेडिबिलिटी बल्कि फलसफा बल्कि शरिया के ऊपर जितना वजन अबू बकर सिद्दीक डाल सकते थे, तो भाई ये ऐसे ही है स्ट्रेस जो है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये वाला बोझ जितना रिस्क रखता है मैं वो रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इट्स अ कॉन्शियस चॉइस ही टुक। ओके आयशा, तो इस तरीके के खजाने हमारे तक पहुंचे नहीं है बेटा। कि अब उमर खत्ताब का मैं आपको वाक्य सुनाता हूँ। उमर खत्ताब की एक सहाबी के साथ डील थी और उन्होंने कहा कि क्योंकि हालात दोनों के बहुत वीक थे, घर चलाने की कोशिश करते थे, तो रोज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नहीं बैठ सकते थे क्योंकि इन्होंने ज़ाहिर है उस वक्त कोई ऐसा इंटरनेट के ऊपर काम या होम ऑफिस का काम कॉन्सेप्ट तो नहीं था, तो फिजिकल लेबर में थे सारे। तो उमर खत्ताब ने कहा कि एक सहाबी से कि आप ऐसा करें, मैं आपका आपके भी जानवर चला दिया करूंगा, एक दिन पूरा मुझे ड्यूटी पे लगा दो ताकि मुझे एक दिन ऑफ मिल सके, ऑल्टरनेटिव डे मिल सके, कि मैं इतने पैसे बना लूं कि अगले एक दिन का खर्चा दे दिया करूं घर पे, और तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठ जाया करो, मैं तुम्हारा काम कर दिया करूंगा, और फिर अगले दिन तुम मुझे मेरा काम कर दिया करना, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस ना मिस करूं। कितनी सीरियसनेस थी इनकी कि ये ऐसे हालात में भी पूरा रोस्टर बनाते हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे। ठीक है, फिर आप ही के सवाल के जवाब के जुमरे में हजरत अबू हुरैरा का मैं आपको वाक्य सुना दूं कि उन्होंने एक्सेप्शन ले ली थी कि मुझे काम नहीं कोई करना, मेरा काम ही है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि कोई भी हदीस को जो उनके मुंह मुबारक से अल्फाज इरशाद हों पब्लिक लेवल के ऊपर या इवन उनकी वन ऑन वन भी, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अबू हुरैरा को बताया गया हदीस का क्योंकि वो हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अटैच हो गए थे, तो वो हदीसें हमारे तक पहुंच गई। ठीक है, वो खजाना है। उसमें भी हजरत अबू हुरैरा, आप ही के सवाल के जवाब के जुमरे में मैं आपको बस थोड़ी सी इस्तिथनाई गुफ्तगू कर दूं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी खुद ही कह दिया एक वक्त आया कि सहाबा से कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पोटली नहीं दी इल्म की, एक से ज्यादा पोटलियां दी, तुम्हें मैं बस एक पोटली में से ही इल्म देता हूं, क्योंकि अगर मैंने वो दूसरी पोटली भी खोल दी तो तुम मेरी गर्दन ही मार दोगे, तुम्हारे आपे में ही नहीं रहेगा, बर्दाश्त ही नहीं होगा तुमसे कि ये क्या बातें हो रही है, तुम्हारा दिमाग जो है ना वो तैयार ही नहीं हुआ। समझ गए आयशा? आयशा बेटा गायब नहीं होता बेटा, बात करें ना, मुझे पता चले आपको सब आवाज आ रही है, बाकी लोगों को भी इसी तरीके से मुझे पता चलेगा आवाज आ रही है। सर सबको होस्ट म्यूट मुझे था, बारी बारी म्यूट कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, होस्ट नहीं म्यूट करते वो जूम ना, जब जब आप आइडल रहेंगी ना तो हमने वो ऑटो म्यूट रखा हुआ है, होस्ट मैनुअली नहीं म्यूट करेंगे किसी को, होस्ट खाली अनम्यूट करेंगे। ठीक है, बाकी सब तो वैसे ही म्यूट। ओके जी तो आयशा होता ही है कि एक ऐसा दिमाग का लेवल बन जाता है, वरना अवाम अवाम ही रहती है आयशा बेटा, याद रखना। ज्यादातर अवाम जो है ना दुनिया के किसी भी दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये आधे से ज्यादा तो बद्दू हैं, खास खास लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मर्जी से खुद चुन रहे थे ना, वो खसूसी लोग थे। जी जैसे बड़े बड़े सहाबा के नाम आप जानती हैं ना जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं से चुनते थे, उमर खत्ताब के लिए दुआ की, ठीक है, अबू बकर सिद्दीक के पास पर्सनली जाके बताया, हम उनके बचपन के दोस्त बेस्ट फ्रेंड। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और अबू हुरैरा को उन्होंने उनकी इस विगर की वजह से चुन लिया, उनके लिए दुआएं की अबू हुरैरा के लिए, उनके घर वालों के लिए कि किसके अंदर कितनी डिमांड है इल्म की। तो इन लोगों का अबू अब्दुल्ला बिन अब्दुलरहमान बिन औफ के लिए खास दुआ, अब्दुल्ला बिन अब्बास के लिए खास दुआ, अली बिन अबी तालिब के लिए क्या ही बस पूरी लिस्ट है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना प्यार अली बिन अबी तालिब के साथ किया किसी सारे के सारे तरस गए, खास लोग खास लोग, समझ रहे। तो इन तक जो उलूम पहुंचे ना, जैसे जी अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, आप अबू हुरैरा रदी अल्लाह अनहु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अनहु, इन दोनों की अहदी एक 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 हदीस सुनाऊंगा अलग अलग अल्फाज से मफहूम इकट्ठा करके,
عائشہ میرے بچہ غور سے سننا. اوکے اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اے لوگو, اگر میں وہ دوسری پوٹلی بھی کھول دوں, میرے نبی نے دو پوٹلیاں دی ہیں علم کی, ایک پوٹلی کھول کھول کے خزانے بانٹتا ہوں تم میں, دوسری پوٹلی کھولی کہ تم نے میرے گردن مار دینی. اب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں صحابہ سے, مطلب اس دور کے لوگوں سے, کہ جب تم مجھ سے قرآن کی کچھ چیزیں ایسی چیزیں پوچھتے ہو تو میں اگر تمہیں نہیں بتاتا تمہاری بہتری ہے, اگر تمہیں میں بتاؤں گا اس کا علم تو تم کافر ہو جاؤ گے, تم اس قابل ہی نہیں ہوئے ہو, ابھی تیار نہیں کرتے ہو اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ دونوں صحابی کیا بول رہے ہیں بیٹا, سمجھ گئے بات. تو عوام کی نا لیئرز ہوتی ہیں پہچانیں. یہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے, جب انسانوں کو آپ میجر کریں گے ادوار کو, تو انسانوں کی تین لیئرز ملیں گی. جو نیچے کی سب سے لیئر ہوتی ہے نا عام عوام کی, یہ ہر دور میں ہر جگہ پہ ہر نبی نے بھی دیکھی, ہر غیر نبی نے بھی دیکھی, ہر مفکر فلاسفر, ہر ذی شعور بندے کو یہ تینوں لیئر نظر آتی ہیں. وہ جو ٹاپ کی لیئر ہوتی ہے نا, وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر محنت کا, اپنے دماغ کو کھولنے کا, اپنے اوپر کام کر کے, کتاب میں تعلیم علم حاصل کر کے, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنے آپ کو اس شعور کی سطح پہ لے کے آتے ہیں. اس لیئر میں سے یا بھی تینوں لیئر میں سے اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں کچھ جو خاص بتاتی ہیں قرآن کی, کہ اللہ خاص بندوں کو فراست عطا کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں, بس وہ کسی بھی لیئر میں سے ہو سکتے ہیں. مگر آپ پیٹرن اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو پیٹرن نظر آتا ہے, ولو لالا اور کس کس کو ملی اکیلے میں ہمیں کیا پتا, مگر جو پیٹرن نظر آتا ہے جنہوں نے بڑے کام کیے, جو کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم عطا کیا, وہ فراست ادا کی, وہ اور کام بھی کیا انہوں نے, کتابیں لکھ کے دنیا کو روشناس کرایا, علم بٹا اور کام جد و جہد بھی کی, وہ ٹاپ لیئر کے لوگ ہی تھے. عام عوام ان لوگوں کو اپنے ہی خیمے سے بھی گولیاں مارتی رہی ہے. ابو ہریرہ نے مسلمانوں سے ہی کہا تھا نا میری گردن مار دو گے, عبداللہ بن عباس نے مسلمانوں سے ہی کہا تھا نا کافر ہو جاؤ گے, کافروں کو تو نہیں کہتے نا وہ کافر ہو جاؤ گے, سمجھ گئے, مسلمانوں کو ہی کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی دوسری پوٹلی نہیں کھولوں گا, میری ہی گردن مار دو کہ تم اس قابل ہی نہیں ہوئے کہ تمہیں سارا علم دیا جائے, اپنے آپ اپنا دماغ ہی نہیں کھولتے ہو تم. ٹھیک ہے, یہ اس لیول کے مسائل ہر اس ذی شعور شخص کو ہوتے. یہ ٹاپ لیئر میں رہنا آسان نہیں ہوتا, تنہائی کی لائف ہوتی ہے, کسی سے آپ کچھ شیئر بھی نہیں کر سکتے, اکیلے ہی ہوتے ہیں. سلمان فارسی کا واقعہ پڑھیں آپ کو پتہ چلے کس کس طریقے سے کتنے کتنے مہینوں کا سفر کر کے کتنے کتنے سال اکیلے ون آن ون گزارتے رہے وہ ایک عالم کے ساتھ, جو سچے مسلمان عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے تھے, اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے, وہ ایک بندہ پھر کہتا تھا مرنے سے پہلے کہ فلاں جگہ چلا جاؤ, اس بندے کو میں جانتا ہوں, اس کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا, بس وہ اکیلا ہی رہ گیا, پھر فلاں بندے کو جانتا ہوں, اس طرح اپنے ذرا صحابہ کے ساتھ کیا چل رہا. تو بیٹا یہ بڑا لیکن یہ پیٹرن تو پچھلی قوموں میں بھی تو ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ بیٹا دوبارہ سے بولیں, میرے پہلا حصہ آپ کا کٹ گیا, میں آپ اکٹھے بول رہے تھے, بولے شروع سے بولے, آپ نے یہ جملہ کیسے شروع کیا؟ کیونکہ پچھلی قوموں میں بھی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے علم چھپانا شروع کر دیا تھا. میں کوئی الزام نہیں لگا رہی, بس اپنی کنفیوژن کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے بھی جو علماء تھے انہوں نے یہی کیا تھا کہ انہوں نے علم چھپانا اسٹارٹ کر دیا تھا, اور انہوں نے قوم کو یہی کہا تھا کہ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے. تو اس طرح تو علم ہمارے پاس پہنچ ہی نہیں سکتا. میرا بچہ میں جملہ سمجھ لوں, یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کیا مطلب ہے؟ کیا اب کن کی ذمہ داری ہے یہ بس یہ بتائیں. علماء کرام لائک جو ان کے ہیڈ بنے ہوئے تھے یہودیوں کے گاڈ فادر وغیرہ, میرا بچہ یہ اب ہماری ذمہ داری والا حصہ جو ہے آپ کے جملے کا, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جواب پورے جملے کا یعنی دیتا کہ ہوں. یعنی جو علم ہے وہ صرف اب جو مین ہیڈ ہے انہی کے پاس رہے گا. ان کی ایون تو تفاسیر میں بھی ایک ایسے آتی تھی کہ کچھ ان کے علماء کی الگ تفاسیر ہوتی تھی جو وہ آپس میں ڈسکشن کرتے تھے, اور عوام کے پاس صرف وہ کامن کامن چیزیں ہی بتاتے تھے. اچھا آپ کی بات میں کافی ابہام ہے, اردو میں ابہام کہتے ہیں اس کو, تو میں اس کا کوئی ایک اسپیسیفک مطلب اپنی مرضی سے تو نہیں لینا چاہوں گا, مگر اگر آپ مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کر رہی ہیں تو آپ کو نا کسی دور کے اندر سے کچھ حاشیے کھینچنے پڑیں گے, مجھے بتانا پڑے گا کہ کن کی بات کر رہی ہیں آپ, ورنہ عمومی طور پہ ہاں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا
یہ اس کو نیگیٹو کونوٹیشن میں مت لیجیے گا, اپنی مرضی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بیٹا بات سنو, میں جب جملہ پورا شروع کرنے لگتا ہوں آپ اس کو بیچ میں سے نا ایک سیکنڈ تھوڑا صبر کر لیں, میرے ساتھ رہیں نا, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی میں جملہ شروع کروں اس کو مت کاٹنا, باقی ہر چیز میں روندے ہوئے چلے جانا. جب میں اللہ کے نبی کا نام لے لوں بس آپ نے خاموش, مسلمان خاموش ہو جائے. ٹھیک ہے, صحابہ علماء کہتے ہیں کہ سورہ حجرات کی جو آیت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز اونچی نہ کرو, اس کا آج کے دور میں یہی مطلب ہے. آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے نا, تو جب ان کے بارے میں بات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو باقی کے مسلمان خاموش ہو جائیں کہ بس اب اور کوئی بات. ٹھیک ہے, تو حدیث یہ ہے, اور یہ بائے عیسیٰ ابن مریم کی بھی حدیث یہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستند حدیث میں یہ ارشاد فرما دیا ہوا ہے کہ سور کے گلے میں ہیرے کے ہار مت پہناؤ. ٹھیک ہے, یہ ڈو ناٹ پٹ نیک ڈائمنڈ نیکلسز ان دا یو نو نیکس آف سوائنز, یہ بائبل کی بھی آیت ہے. ٹھیک ہے, یہی حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہ ایسے بندوں کو ایسا علم نہ دے دو جو اس کے قابل ہی نہیں ہوتے. اچھا بیٹا سمجھ رہے ہو, تو علم کو نا ایک خصوصی طور پہ بہت بڑا ایسٹ دیتے ہیں. حدیث بڑی کلیئر ہے عیسیٰ ابن مریم کی کہ اگر آپ نے نااہل کو علم کی بات کی تو یہ آپ کی جہالت ہے. یہ حدیث انجیل کے اندر عیسیٰ ابن مریم نے خود رقم کروائی کہ نااہلوں کو علم کی بات کرنا آپ کی جہالت ہے, حالانکہ علم کی بات کریں مگر آپ کی جہالت ہے. جاہل ہیں, آپ کو اتنا نہیں پتا کہ یہ بندہ اس قابل ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس نے ریئیکشن کر جانا ہے, اس سے سائیڈ افیکٹ ہوں گے, جو کہ عبداللہ بن عباس نے کہا تھا نا کافر ہو جاؤ گے, ابو ہریرہ نے کہا تھا نا مجھے ہی قتل کر دو گے, اللہ کے نبی کی بات سن کے مسلمان دوسرے مسلمانوں کو قتل کر دے گا, جی وہ اس قابل ہی نہیں ہو سکا. یہ ایک لیئر کو سمجھے بیٹا, اس کو لوور مینٹل کلاس کی لیئر بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاکستان کا قومی کھیل ہے اسی لیئر کے اندر رہنا. ہماری امی ابو ہمیں اس کے اندر قید کر کے رکھتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو بچہ اس لیئر سے باہر چلا جائے گا تو اس کا لڑکی کا رشتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایسی ڈرپوک ماؤں کی ایسی لو مینٹل کلاس بچی ہونا نارمل ہے پھر. اور آدمیوں کو کیا لگتا ہے کہ وہ اوپر چلا جائے گا تو ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا, ہمارا ہماری اجارہ داری سے باہر ہو جائے گا اپنا بیٹا. تو ایسے ہمارے بچے قید کیے گئے ہیں. سو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایج بارڈر لائن کے اوپر ہوتے ہیں دو لیئرز کے, ورنہ عمومی طور پہ لوور کلاس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. لوور مینٹل کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوور مینٹل کلاس ہے, اسی لیے تو وہ لوور مینٹل کلاس ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ایروگینٹ سمجھتے ہیں, اپنی دوسرے سے کمپیئر کر کے اپنے آپ کو بڑا کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو مڈل کی کلاس ہوتی ہے نا اس کی تعریف ہے, ہر دور کے اندر اس کی تعریف ہوتی ہے, اسٹرگلرز ہوتے ہیں. ہوتا یہ لوور مینٹل کلاس کے ہی, شک میں مت رہیے گا. کوئی دین کا کام کرے گا تو کوئی دنیا میں تیز ہوگا, ہوتے لوور مینٹل کلاس ہی, مگر اسٹرگل کرتے ہیں. آدھی پودی بات پتہ بھی چلتی ہے, اس کے لیے جستجو کرتے ہیں, مگر ان کے کیریکٹر نہیں بنے ہوتے, سست ہوتے ہیں. کیریکٹر کا مطلب ہوتا ہے میٹل نہیں ہوتا, ڈسپلن نہیں ہوتا کیریکٹر میں ہوتا نا, یہ ورچوز نہیں ہوتے, اسٹرینتھ نہیں ہوتی, کریج نہیں ہوتی, ڈرپوک ہوتے ہیں, سست ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے ان کو. تو یہ پھر اس طرف جاتے ہوئے یا تو ڈر جاتے ہیں یا اپنی فٹیگ کی وجہ سے وہ ڈسپلن سے اتنی کتابیں نہیں پڑھ سکتے. بڑی شکلیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی, بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں, بڑے بڑے مشن سٹیٹمنٹ مگر نہیں پورے کرتے. یہ جو اوپر کی ٹاپ لیئر ہوتی ہے نا, ان کا پرسنل ڈسپلن ہوتا ہے. انہوں نے ماں باپ کے ڈنڈوں سے یا پھر شوق سے, اللہ کی ہدایت سے یا پھر دنیا کے تپیڑوں سے جو اللہ نے ہی ایزن میں ڈالے ہوتے ہیں, ان کی تیاری بچپن سے ہو چکی ہوتی ہے. ان کو کتابوں کو اور علماء کو, اسکالرس کو, چاہے فزکس کے پروفیسر ہوں, چاہے اسلام کے ہوں, چاہے وہ کیمسٹری کے ہوں, بایولوجی کے ہوں, ایسٹرانومی کے ہوں, یا پھر دنیا کے دانا شخص اشخاص ہوں, ان کے پاس بیٹھ بیٹھ کے علم چوستے رہتے ہیں. یہ بچپن سے ان کی ایک جبلی خصوصیت ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے یہ ٹرانسینڈ کرتے ہیں اوپر کی طرف, اور یہ اوپر کے اس میں ہی رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ بتاتے نہیں ہیں کہ اوپر کے ہیں, کیونکہ جیسے یہ بتائیں گے اوپر کے ہیں کبر آئے گا, نیچے گر جائیں گے. یہ خاموش رہتے ہیں اپنے اس معاملے کے اوپر, اور لوگوں کو ڈھکے چھپے اشاروں سے یا پھر کسی طریقے سے اشکارا کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی قوم کے کیا حالات ہیں, نیچے کی لیئر کو اوپر کیسے لاتے ہوتے ہیں, یا پھر جو بھی ٹریننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عمومی طور پہ آپ ان لوگوں کو اپنے بارے میں کچھ بھی بات کرتے جتاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. یہ اپنی سی وی نہیں چاٹتے رہتے ہر وقت لوگوں کو دکھاتے, یہ کام کرتے ہیں, یہ درس و تدریس میں رہتے ہیں, یہ جد و جہد میں رہتے ہیں, یہ موقع آتا ہے تو جہاد پہ آتا, جہاد پہ پائے جاتے ہیں, موقع آتا ہے امن کا تو یہ بلڈ اپ میں پائے جاتے ہیں. مگر ان کے کاموں کے اندر آپ ایولیوشن اور بہترین تدریجی لیول کے اوپر ایکیوٹ لیول پہ بھی کئی دفعہ دیکھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جب اپنی وہ جو بھلائی کا ارادہ ڈالتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو یہ قرآن میں اوپر چلے جاتے ہیں.
یہ دین میں اوپر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ خاص خصوصی ہیرے ہوتے ہیں, یہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ ہدایت پہ لے آئے تو یہ دین کے اندر چمکتے ہیں, نہیں تو یہ اپنے اس لیئر سے کافی منفرد ہوتے ہیں. ان کو زیادہ تر لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ اپنے مشن پہ ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو فرق پڑتا ہوتا تو یہ نیچے ہی ہوتے ہیں نا, نیچے والی لیئر زیادہ تر اس لیے نیچے ہوتی ہے, وہ لوگوں کی فکر میں لگے تھے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو کپڑے بھی لوگوں کی مرضی سے پہنتے, نیچے والے گاڑیاں بھی لوگوں کی مرضی سے لیں گے, تو بچے کتنے پیدا کرنے بھی لوگ بتائیں گے ان کے, یہ اتنے نیچے ہوتے ہیں نیچے والے. تو کس اسکول میں جانا, کس کالج میں جانا, کس یونیورسٹی میں جانا, کون سی کتاب پڑھنی ہے, کتنا مطلب صبح اٹھتے ہیں تو لوگوں کی فکر ہوتی ہے, رات کو سوتے ہیں تب جب لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں, مطلب ان کو نیند بھی نہیں آتی. نیچے کے لیئر کے تو ہر وقت کے مسائل ہیں, یہ بے برکتی کے مارے ہوئے بدبخت لوگ ہیں, ان کو میں بدبخت ہی بولتا ہوں, ان کے بخت ہی ختم کر دیے گئے. یہ ہمیشہ سڑیں گے, اندر سے بھی سڑیں گے, محلے میں بھی سڑیں گے, جل رہے ہوں گے. حسد بھی انہیں میں پایا جائے گا, تو کینہ بھی ان میں, گرج بھی ان میں, تو دشمنیاں بھی ان میں, چھوٹی چھوٹی جہالت سے لے کے بڑے بڑے گناہ بھی ان کے اندر. سو یہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ آپ ان کے, چاہے بڑی گاڑیاں ہوں یا چھوٹی گاڑیاں ہوں, ان کے بڑے محل ہوں یا چھوٹے محل ہوں, یہ بڑا مال رکھتے ہوں یا بالکل غریب ہوں, ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کہ غریب ہے امیر ہے. ان کی بیماریوں کی تعداد اور ان کی مقدار اور ان کی انٹینسٹی ہمیشہ سے شدت پہ ہی رہی ہے, اور ہم سب کے سب دنیا والے اسی لوگوں کی فساد سے سب سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب رہی بات وہ سب سے ٹاپ لیئر کے اوپر بننا کیسے, تو بھائی وہ بننا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر اکتفا کرو کہ اللہ ہدایت پہ رکھے, دین میں ہی اوپر لے کے جائے, دنیا میں اوپر لے جانے کے بعد اور کیپر آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور تزکیہ رکھو اپنا ڈیورنگ دا جدوجہد, اور بڑے کاموں اور بڑے مسائل کی طرف, بڑے مسائل کو سب سے پہلے شناخت کرو اور سب سے پہلے اس کی ٹریننگ پہ لگ جاؤ. اگر عائشہ پتر آپ اولمپکس کی ٹریننگ ابھی کریں گی تو آپ کو زیادہ بڑا مسئلہ چاہیے ہوگا. اب لوکل کس شہر کی ہیں آپ, چلیں آپ میوٹ ہو گئے, سمجھ لیں آپ اسلام آباد کی ہیں, اسلام آباد کی ٹریننگ کے لیے جائیں گے کمپٹیشن میں تو کم مسئلہ چاہیے ہوگا. تو اگر آپ تیاری اولمپکس کے لیے کریں گی تو آپ زیادہ طاقت میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی نظام رکھا ہے کہ دنیا کو, یونیورس کو اسلام کا سب سے پہلا جو ہے نا پیتھ وے بتایا تھا کہ بھائی دنیا فتح کرنی ہے, دنیا دنیا کے اوپر نظام لے کے آؤ, اپنے کسی گلی محلے پہ اوپر اسلام نہیں لانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکل جاؤ, حق پہنچا دیا جی پہنچا دیا, تو نکلو پوری دنیا کے کونے کونے میں, ایک ایک جگہ کے اوپر یہ بات پہنچاؤ کہ بھائی اسلام کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ کے دین کو پوری طریقے سے ظاہر کر کے بتاؤ, طاقت میں آؤ اور قائم کر کے دکھاؤ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, سسٹم کو اللہ تعالیٰ پریویل کروائیں گے تم لوگوں سے. ٹھیک ہے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے تو نہیں آئے, یا عجم کے لیے تو نہیں آئے, یا پاکستان کے لیے تو نہیں آئے, یا مکہ کے لیے تو نہیں آئے, وہ برازیل سے, چلی سے لے کے, سائبیریا سے, الاسکا سے لے کے نیوزی لینڈ تک, ابھی کے لیے نہیں قیامت تک تمام لوگوں کے لیے آئے. اتنا بڑا اسکوپ کسی اور نبی کو نہیں دیا میرے رب نے, جو ہمارے آقا کو دیا, تو ہمارا بھی یہی کام ہے پوری دنیا میں ہر کونے میں ایک ایک نقطہ درست کریں گے, ایک حاشیہ درست کریں گے. یہ گلوبل لوگ ہیں آپ, تو اتنا بڑا مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر لوور لیئر میں رہ کے نہیں ہوگا. لوور لیئر کا بندہ تو اپنے محلے میں نہیں سروائیو کر سکتا, وہ تو گھر میں بیٹھا ہوتا, دوسرے کمرے میں بیٹھے کزن سے کمپیرزن کرتا رہتا, اس قسم کا چھوٹا سا خبیص ہوتا ہو. ٹھیک ہے, سو یہ تین لیئرز کو سمجھیں, تین لیئرز میں لوور مینٹل کلاس کی شناخت کریں اپنے آپ کے لیے, اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے, کہ میں تو نہیں ہوں وہ. پھر اگر آپ سٹرگلنگ میں آئے گئے ہیں تو کبھی بھی نہ سوچنا کہ لوور کلاس کو نیچے دیکھنا ہے, جو نیچے دیکھتے ہیں نا انسانوں کو وہ اپر کلاس کا بندہ ہی نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا, نیچے دیکھنے والا بندہ کبر میں ہوتا ہے. یہ ہم دور سے دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اللہ نے کس کو اوپر کیا ہوا ہے, وہ خود نہیں دیکھتا کہ میں تو بڑا اوپر ہوں, یہ نشانی نہیں ہوتی اوپر کے لوگوں کی. تو سٹرگلنگ میں رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روز ہار رہے ہیں تو روز اٹھ بھی رہے ہیں, جیتنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, تعلیم علم تگودو جاری ہے اور سخت کر دی ہے, اسکلز روز لیتے ہیں. ٹھیک ہے, روز عربی سیکھتے ہیں تو روز قرآن کی طرف جس لگاتے ہیں, روز نئی آیت کے اوپر, نئی ریسرچ کے اوپر لوگوں سے ملتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر لکھتے بھی ہیں, اور اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے میں جو ریسرچ کرتا تھا وہ کتنی بچگانا لگتی ہے مجھے. یہ سارے معاملات اسٹرگلرز کے اوپر. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ ہاؤ بیوٹیفل دس جرنی از, اور اس کی کلمنیشن اسلام کی ترویج ہی ہے. یہ پوری تب ہوگی جب اسلام کی ترویج کریں گے. جی, آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر, اینڈ آئی ہوپ یہ تین لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہیں. جی, نیکسٹ کوشچن تھوڑے کر دیں اسنا. جی سر, نیکسٹ کوشچن, مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں اسکرین کا ایک علاج کرنے کی کوشش کروں, کلک کروں گا تو کلک ہوگا ہی نہیں کیونکہ اسکرین تو میری
साहिल साहब, मेरे आपसे ना दो तीन सवालात हैं, और सबसे पहले तो आपने इधर उधर नहीं होना, ठीक है ना? आपने मेरे जो सवालात हैं उनके जवाब देने हैं, और मुझे मुतमिन करना है लाजमी तौर पे। मैं मेरे अंदर ना जो है ना वो आग सी लगी हुई है आपके मामलात में, तो साहिल साहब आपने ना इधर उधर नहीं होना। तो पहले मेरा ये आपसे कैसे ना, आपने जो ये पूरे पाकिस्तान में यानी कि ताऊत ताऊत की जो है ना वो रट लगाई हुई है, ठीक है? हालांकि इंजीनियर साहब जो इतने बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने तो बताया कि असल ताऊत जो है वो तो सूफिया और बाबे हैं, ठीक है? मगर आप तो जो है ना वो ताऊत का कहीं और ही मतलब लेके जा रहे हैं, तो जरा मुझे इसके बारे में भी जो है ना मेरी क्लियरिफाई करें। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि इंजीनियर साहब जो इतना बड़ा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप वो नहीं कर सकते? हालांकि अभी तो हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हैं, आप जो बातें कर रहे हैं वो तो 25 साल आगे की बातें हैं, ठीक है ना? और आप तो जो है ना वो 20-25 साल आगे की बातें कर करके जो है ना वो हमें कंफ्यूज किया हुआ है, और आप बेस बनाए नहीं, आप हमारी बेस बनाए ना, आप बेस पर क्यों नहीं आ रहे, ठीक है ना? आप इसके बारे में मुझे मुतमिन करें। और तीसरा मेरा जो सवाल है आपसे वो रुक है, जाए सर, मेरी स्क्रीन चली गई थी का मतलब है कि मुझे आवाज नहीं आ रही थी। आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज टू यू अगेन, आई अपोलोजाइज। जुमला गुजारिश है, दोबारा शुरू कीजिए। साहिल साहब, मैंने आपसे पहला मैंने आपसे बोला है कि आपने दो तीन मैंने आपसे दो तीन सवालात करने हैं, नाम क्या? आवाज ठीक है? और आपने इधर उधर नहीं होना। नहीं आ रही। मेरा मेरा मैं मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी, सर, मेरी आप जी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है इसम शरीफ सर, आपका इसम शरीफ, आपका नाम क्या है सर? जी। ए हमजा हंजरा साहब, चले हमजा तक समझ आ गया। जी हमजा, एक एक करके सवाल पूछिए। आपने दो सवाल पूछने मेरे से, पूछिए। आपने उधर इधर उधर नहीं होना, ठीक है ना? क्योंकि सवालात ऐसे हैं कि आप अक्सर जो है ना वो हो जाते हैं, ठीक है? आपने मुझे जवाब देने हैं और मुझे मुतमिन लाजमी करना है इसके बारे में, ठीक है? पहला तो ये जो आपने ताऊत बात ताऊत सुने जो है सर, ना बात लगाई सुने, हुई, बात सुने, बात सुने। सवाल आप इस तरह शुरू करेंगे ना, जिसमें आपने अमर के सीगे इस्तेमाल करके ऐसे जुमले इस्तेमाल करने हो जिसमें आपने वो वाले अलकाब यूज करने हो जो कि किसी, मैं अब ऐसे अल्फाज नहीं यूज करना चाह रहा हूं कि लगे कि जैसे मैंने कोई रिएक्टिव साइकोलॉजी में एंटर हो गया हूं, मगर अपने अल्फाज का चुनाव बहुत एहतियात से कीजिएगा, ठीक है? मैं इधर उधर होना ये किसी भी तहजीब में नहीं है। दूसरा, आपने बड़ा पक्का कतईत के साथ बोला मैं हमेशा इधर उधर होता हूं। अभी एक बच्ची का सवाल था, उसमें मुझे सबूत दीजिए मैं किधर इधर उधर हुआ हूं, जरा मुझे बताइए। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने बातें नहीं मेरे कहने घुमानी का इधर मतलब उधर। समझ गए? आपकी कतईत के साथ जुमला इल्जामी तौर पर करने का मतलब क्या होता है? आप मेरे जुमले का मतलब समझ गए? मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आपने मेरी बात जो है ना वो घुमानी नहीं है, मुझे सही क्लियर करना है, मुतमिन करना है अपना जो आपका ये आपने पहले तो ये आपने ताऊत ताऊत जो लगाया हुआ है ना इस पे। हालांकि इंजीनियर साहब इतने बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने बताया कि असल ताऊत तो आजकल के बाबे और सूफिया है। आपने ताऊत का मतलब इधर उधर करके हमें कंफ्यूज किया हुआ है, ये हमें क्लियरिफाई करें ना, असल में ताऊत होता क्या है? आप ये बताएं, आपने दूसरी दफा कहा है मैंने इधर उधर किया है, गौर से समझ लें। कुरान में लिखा है कि मैंने बाबे इधर ताबूत उधर ने, जी, नहीं, मैं जो पूछूंगा आपने भी थोड़ा सा मेरे साथ चलिएगा, मैं आपके 10 सवाल लूंगा, टेंशन ना लें, मगर जो मैं सवाल करूं वो छोटा जवाब दीजिएगा। क्या कुरान में लिखा हुआ है कि बाबे जो है वो ताबूत है? ये तो मैंने आपसे सवाल ठीक है, किया है हाँ और ना। ना में जवाब है सर, नहीं लिखा हुआ है। इसका जवाब है नहीं, वैसे नहीं लिखा हुआ, ये तावीलात हैं लोगों की, ठीक है? इसका जवाब ये आप है, भी तो देखिए, आप भी तो मैं तावीलात कर बताता रहे हैं हूं, ना, मेरा आप मेरा जो मैं बताता हूं सर, आपका नाम हमजा था, हमजा साहब, मैं आपको अपना जवाब दोबारा से बताऊंगा, टेंशन ना ले। इस वक्त जो आपने मफरूजा कायम करके मुझे घुमाने वाला कहा है ना, गौर से समझ लें। अगर तो कुरान में लिखा हो ना कि जो भी कहेगा कि तसव्वुफ में जाओ वो ताहूत है, तो फिर तो मैं कहूं यार मिर्जा साहब ठीक कह रहे हैं, मैं घुमा रहा हूं, ठीक है? समझ गया बात? लेकिन जो आप करते हैं वो भी तो नहीं ना लिखा हुआ।
बताता हूँ ना, मैंने आपसे कहा ना पहले मैं आता हूँ अपने ऊपर, अभी आप घुमाइएगा मत, इसको घुमाना कहते हैं आपको। मैंने जो मुकदमा दिया है वो बाबों का है, उस नहीं, मैं बाबे नहीं को तो घुमा पहले रहा तो आप। सुने ना सर, बात तो सुनने, पहले जी 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 बाबों को कटहरे से नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। आप ये बताइए कुरान में कटहरे पे बाबे तो तो ही मैंने लिखा खड़े ही था, नहीं। तो सर जी मेरा जुमला पूरा होने से पहले आप इंटरप्ट मत कीजिएगा, गुजारिश है, गुजारिश है कि एक दफा जी जी मेरा जी जुमला पूरा कर लीजिए, ठीक है। जी जी अगर जी बाबे कुरान में नहीं है तो जो भी कटहरे में बाबों को घुसा रहा है वो उसकी तावीलात होंगी ना, ठीक है। अब आप जवाब दे दे यस और नो में, तो उसकी तावीलात है, जी हाँ। अब जब भी कोई बाबे का लफ्ज बोलेगा ना, या मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब जब कहते हैं ना कि बाबे और तसव्वुफ जो है वो ताहूत है, ये वो शिर्क के जुमरे में कह रहे होते हैं, ठीक है। ये बात आपको भी पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अभी अब दोबारा से उनके काम को देख लीजिए, या किसी भी ऐसे बंदे को काम को देख लें कि जो तसव्वुफ को या सूफिया को या बुजुर्गान को बोल रहा, वो कहता है कि यार ये लोग शिर्क करवाते हैं, कब्रों पे लेके जाते हैं, मन्नतें करवाते हैं, तो जुमराते कराते हैं, इनके अपने बाबे जो हैं वो वाली इंटरप्रिटेशन डालते हैं जो कि नऊज बिल्ला इंसान को अल्लाह ताला के बराबर खड़ी करवा देती है, या अल्लाह ताला के अलावा कोई सिफत जो जो भी सूफिया ने या उनके मुकल्लदीन ने उनके ऊपर लगाई हुई है, चाहे वो अली ज्वेरी हो या फिर गौस पाक हो, जो भी हो, मैं तो टॉप से लेके बू अली कलंदर से लेके राबिया बसरी से लेके हर कलंदर, लोकल कलंदर, इंटरनेशनल कलंदर सारे डाल दें सबको, जो भी उनके महबूब ने, उनके सॉरी आशिकीन ने जो भी उनकी खुशियात डाली हैं, वो ये कहते हैं ये तो रब की खसूसी सिफात है, ये शिर्क में आ जाएगा, ये सारा का सारा बाब जो वो बांधते हैं वो शिर्क का बाब है, ठीक है। अगर वो मेरे नाम पे लगाते हैं ना कि मैं इनके खिलाफ रद्द नहीं करता, तो ये शिर्क का रद्द नहीं करता, तो ये भी तो ये ताहूत का रद्द मैं तो पहले करूं, तो शिर्क का ताहूत से वो ताल्लुक नहीं है जो कि किसी भी लेवल के ऊपर उन्होंने बांधा है, या कोई भी बुजुर्ग बाबा बांधे, चाहे वो काली दाढ़ी वाला हो या सफेद दाढ़ी वाला हो। शिर्क का लफ्ज शिर्क के लफ्ज से ही कुरान में है, ताहूत का लफ्ज अलग से है। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह को मानते हुए किसी और चीज के अंदर, अल्लाह की खसूसियत में किसी और बंदे को या गैर अल्लाह को, कोई भी एक पत्थर को, मूर्ति को, सूरज को, चांद को, इंसान को, उसके अल्लाह ताला के कंपार्टमेंट के अंदर घुसा देना अल्लाह को मानते हुए, इसको शिर्क कहते हैं। हमजा साहब इतना तो आपको पता होगा, हम हर मुसलमान को शिर्क का तो पता है, शिर्क में शिर अल्लाह का को तो मानना पता है। जरूरी होता है, वरना शरीक किससे कर रहे हैं आप, अल्लाह से शरीक कर रहे हैं ना, शिर्क तो अल्लाह से शिर्क, शराकत तो कहते हैं। तो जब शिर्क का लफ्ज आ जाए, और सर बात तो मैं सुने, शिर मैंने की तो हमने बात आपके जुमला जी पूरा नहीं किया ना, अभी सुन ले आपको मैं मौका दूंगा, आप जी 10 सवाल आपसे कहा है, वादा करता हूँ लूंगा आपसे, गौर समझ लू। So, जब आप शिर्क के जुमरे में आएंगे तो आप तहूत का कमरा छोड़ चुके हैं कल का, ठीक है, क्योंकि शिर्क के ऊपर बहस कुरान में भी है, हदीस में भी है, हर तरीके से है। अगर आपको कोई तहूत के ऊपर हदीस आपको पता चली है तो हमें बता दें, या किसी और ने कभी कोट कर दिया हो तो हमें बता दें। तहूत की जितनी भी तफसील है कुरान पाक में, अल्लाह ताला ने खुद जो इरशादात फरमाए हैं वो शिर्क के साथ नहीं, शिर्क के अलावा फरमाए, शिर्क की तरफ डायरेक्शन। कोई ताबूत अपने तौर पे कर्टिसी पे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट में डाल रहा हो तो एक अलग कहानी है, मगर पहले उसको अपने आप को रब के अलावा अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकर बनवाना जरूरी होगा। आप इस अगर एक बंदे को ताबूत मानते हैं तो वो शिर्क नहीं होता, वो टोटल अलूहियत तो उसको दे रहे होते, इसी को तो ताबूत कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई बंदा क्लेम कर दे कि मैं हूं पॉलिसी मेकर, ये नहीं कहता कि अल्लाह भी तो मैं भी, ठीक है, वो कहता है भाई ये मेरी राय है, ये कतईयत के साथ मानोगे क्योंकि मैं ही सही हूं, मैं कुल इल्म हूं, या फिर मुझे ऐसी कोई बात पता चल गई है जो इंसानों की हिस्ट्री में किसी को नहीं पता चलती, वो अरस्तु हो चाहे सुकरात हो, बुकरात हो, या फिर रिचर्ड डॉकिंस हो या स्टीफन हॉकिंस हो, ठीक है, ये जो भी ये क्लेम करते हैं ना इन देयर एब्सोल्यूटिस्ट सेंस, वो ताबूत में एक इंसान अपने आप को डालेगा। अब रही बात कि मैं बाबों का रद्द नहीं कर रहा क्योंकि वो तो भाई बाबों का रद्द करने के लिए मैं शिर्क के रद्द की तरफ जाऊंगा, अगर कोई बाबा मुशरिक है या अपने आप के ऊपर अल्लाह की कोई सिफत अपने ऊपर नामजद करवा रहा है वो शिर्क का रद्द होगा, नहीं, ठीक है। इंजीनियर साहब जो इतने बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने यानी कि वो यानी कि उनके पास काफी ज्यादा नॉलेज है दीन का, तो उन्होंने तो सूफिया और बाबे को कहा है, लेकिन आपने बीच में अचानक से एक नई लाइन जो है ना वो स्टार्ट कर दी है। मैंने नहीं की, पहली बात तो ये गौर से समझें, अल्लाह ताला की आयतों के ना कुछ सरीह आयात ताबूत ही वही सरीह है,
जो ताहूत पे ईमान लाए एक ग्रोह, या फिर जो अल्लाह पे ईमान लाए। आप ऐसा कोई बाबे का फॉलोअर बता दें जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाता, कोई है? जानते हैं किसी बाबे को या किसी बाबे के फॉलोअर को जो अल्लाह को नहीं मानता? अल्लाह पे तो सारे ही मान लाते हैं ना। बस ठीक है, आप सुन लें, कुरान कह रहा है या वो ताबूत पे ईमान लाते या ताबूत का कुफर करते हैं और अल्लाह पे ईमान ले आते। ठीक है, ये दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स अल्लाह बनाता है कुरान में। एक रब अपना खुद बनाता है, इस्लाम का बनाता है दीन के मौके पे, और दूसरी तरफ अल्लाह के अलावा एक कंपार्टमेंट लोग बना देते हैं। ये जो बाबों के फॉलोअर्स होते हैं ना, ये मुशरिक मुशरिक तो हो सकते हैं, मगर इसको जबरदस्ती ताबूत में डालना, क्योंकि आप इतना बाबा आपके सर पे चढ़ जाए कि हर चीज बाबे को जिम्मे लगानी हो आपने, तो खुद खुदारा यही ताबूत होता है, आप खुद ताबूत ताबूत खेल रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जरा सा इंसाफ करें, मिजान भी कोई चीज होती है। मुझे कोई शक नहीं है कि हजार कई करोड़ बाबों ने कोई ना कोई मस्ती की होनी है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि तसव्वुफ ही गलत है। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो बहुत सरीह दलील है। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे जो कुछ हो रहा है, कि इस्लाम में मसला नहीं है, पाकिस्तान में मसला है। बिल्कुल इसी तरीके से तसव्वुफ में मसला नहीं है, पाकिस्तानी सूफिया में मसला हो सकता है, उनके फॉलोअर में मसला होता है। तो तसव्वुफ क्यों खराब कर रहे हो जबरदस्ती, इतनी बायसनेस, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं मान भी लूं तो ज्यादा से ज्यादा शिर्क के कमरे में ही रहती है ये बात, ताबूत कमरे में जाती नहीं। आप कुरान पाक की वो आयात पढ़े, तब आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने किस, या मेरी कोई भी वीडियो देख ले, लिटरली मेरा चैलेंज है कोई चीज 1 घंटे से ऊपर की कोई भी वीडियो, उसमें से 20 मिनट ताबूत की बेसिक डेफिनेशन से लेके कुरान की आयात के रेफरेंस के साथ साथ मैं ताबूत समझाता रहा हूँ पिछले 6 साल से। तो मैं अब दोबारा से तो नहीं ताबूत के ऊपर लेक्चर दूंगा। आपका सवाल मिर्जा साहब के ऊपर था, मैंने आपको बता दिया है, वो जबरदस्ती कर रहे हैं, वो इतना उनके अंदर बाबा जो है ना, वो उनकी नफरत बाबों की उनके अंदर है, जो कि काफी हद तक बनती भी है, मगर इतनी भी ना करें कि कुरान पाक को अपनी मर्जी का करने की कोशिश कर दें। कुरान पाक अपनी मर्जी का करेगा तो वो अपना जो भी करेगा वो ताबूती हरकत कर रहा होगा ना। ठीक है, कुरान पाक आपकी मर्जी का नहीं होगा मिर्जा साहब, कुरान पाक को मीजान के अंदर अपने जहन को तवाजुन को दुरुस्त रखते हुए जैसा है वैसे एक्सप्लेन करें। हर चीज जो आपको बुरी लगती है उसका वो मतलब नहीं है कि जो कुरान में पाक में जो चीज गलत की गई है। कुरान पाक में सूद गलत है तो बाबे सूद नहीं लेते थे, कुरान पाक में जना गलत है तो बाबे जना नहीं करते थे, कुरान पाक में अगर ताबूत गलत है तो बाबे ताबूत नहीं हो जाते। ऐसे ये इतनी आसान सी मिसाल दे रहा हूँ, ताबूत को अलग रखें। मैं नहीं कह रहा हूँ सारे बाबे ठीक है या सारे बाबे गलत है, ये जबरदस्ती ना करें। ये जबरदस्ती करना वो भी कुरान के ऊपर, ये बहुत फाइन लाइन को क्रॉस करना है। ठीक है, एहतियात करें, और अगर आपके दिल में तस्किए की थोड़ी रमक बाकी है तो आप अपने अकेले में अल्लाह से रुजू कर ले। लोगों के सामने बेशक रुजू ना भी करें तो वैसे तो बनता अल्लाह के, लोगों के सामने रुजू ये है कि भाई मैं अल्लाह के कुरान के अंदर एक लफ्ज था जबरदस्ती, मैंने अपनी नफरत के थ्रू उस कुरान के लफ्ज को अपनी मर्जी का करने की कोशिश की, तावीलात गलत, ऐसे ना करें। जी अगला सवाल क्या आपका? हसन सर, ही इज नॉट इन द मीटिंग। जी तो कोई और अगला क्वेश्चन किसी का? वी विल गो फॉरवर्ड। शाजिया ओके, मूव फॉरवर्ड। राबिया या अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जर्मनी से बात कर रही हूँ, मेरा नाम राबिया है। मेरी आपसे तकरीबन 5-6 महीने पहले, हेलो सर, आप मुझे सुन रहे हैं? जी, अभी आ रही है, अभी में चलेगी। सर मेरी आपसे 5 से 6 महीने पहले बात हुई थी सिंगल पेरेंटिंग के टॉपिक पे, कि माँ अपने बच्चे को उड़ना और पर लगाना कैसे सिखा सकती है। और उस दौरान सर मुझे बेसिकली 2 चीजें कहनी है, एक आपसे आपकी शिकायत करनी है और दूसरी आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। शिकायत मेरी ये है कि मेरी आपने मुझे परमिशन दी थी कि मैं आपको ईमेल लिख सकती हूँ, और मैंने आपको ईमेल लिखी थी। ना सिर्फ मैंने ईमेल लिखी थी बल्कि मैंने उसको फॉलोअप भी करवाया था इस बात के थ्रू, और मुझे नहीं पता कि मैं उसका आंसर तो छोड़े, मुझे ये भी नहीं पता आपने पढ़ी है कि नहीं। ये मेरी शिकायत है कि आपने, अगर नहीं पढ़नी थी तो आपने मुझे क्यों परमिट किया था कि मैं उसको लिख सकती हूँ।
और सवाल, अभी मेरी पहले बात पूरी होने दीजिएगा। और सवाल सर मेरा ये है कि लास्ट मीटिंग में आपने मुझे कहा था कि आप फिक्र ना करें, आप अपनी नीयत साफ रखें, अल्लाह ताला टीचर्स की लिस्ट आसमान से खुद बना के भेजेगा। जब मैं अपनी बेटी की बात कर रही थी हानिया के लिए कि वो उस गैप को मैं कैसे फील कर सकती हूँ, या उस गैप को जो एक तो ठीक माँ है, कैसे फील कर सकती है, तो आप सर क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या आप उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? और एक बात जो इसी इसी क्वेश्चन से रेलिवेंट है वो ये है कि सर इसमें तो कोई दो राहे है ही नहीं कि मुझे अपनी बच्ची को अल्लाह के लिए तैयार करके जाना ही जाना, और मेरी लाइफ का ही ये पर्पस है, और इनशाला मैं ये करूंगी और ये होगा भी पूरा। लेकिन मुझे जो इस सिलसिले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि मुझे वो रोड मैप नहीं मिल पा रहा जिसको मैं फॉलो कर सकूं। मतलब अगर मैं आपके एग्जांपल लूं तो आप जाहिर बात है इस प्रोसेस से गुजरे हो, तो आपका जैसे आप अरब टीचर से आपने सारा नॉलेज लिया है या मुख्तलिफ जगहों से लिया है, उसमें आप एक ट्रायल एरर एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस से गुजरे हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो उस डायरेक्शन को मैं, मतलब वो कैसे वो डायरेक्शन पे मैं जाऊँ कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और वो ट्रायल एरर के प्रोसेस से मैं बचूं, और मैं अपनी बेटी को कैसे उस मतलब उस गोल तक ले जाऊं जिसमें वो, जहां पर आज आप खड़े हो वो वहां पर नहीं बल्कि आपसे आगे जाए। ये नहीं है कि मैं आपको आपको कह रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा आगे हो, कहने का मकसद ये है कि मुझे किस तरह वो स्टेप बाय स्टेप जाना है उस जगह पर कि मेरी बेटी हानिया जो इस वक्त 8-5 साल की है, वो सारे चीजों को, सारे नॉलेज को किस तरह मैं उसको दिलवा सकती हूँ, और ये, और मैंने कहाँ कहाँ से ये इंफॉर्मेशन को लेना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब मेरे पास वो रोड मैप ही नहीं है जिसको मैं फॉलो करके नाम वहां तक क्या? जाऊँ। मेरा नाम राबिया। आप ना, आपके सवाल में समझ गया। ठीक है, अच्छा आपको कहीं से ये लगता है कि अगर फलां शख्स एक खास ट्रैक से एक खास जगह पे पहुंच गया, कोई भी जगह हो, अच्छी हो, बुरी हो, ठीक हो, दरमियानी, ऊपर हो, नीचे हो, तो दूसरा बंदा भी वही ट्रैक पे चलेगा तो उधर ही पहुंच जाएगा। इंसान इस तरीके से नहीं, अल्लाह ताला ने आपकी बेटी को, मैंने ये कहा है, अब आप एक डायरेक्शन पे गए हो ना तो आपको इस डायरेक्शन के पॉजिटिव नेगेटिव्स पता हैं, और आपको ये पता है ना कि अच्छा आपको और पूरी दुनिया के जितने भी लोग इस वक्त, मैं जिनको भी पेरेंट्स को ये बात करता हूँ कि आप एज वाइज एक खास सेट ऑफ स्किल्स है, वो मैं हर एक को, मैं तो कुछ छुपा छुपा के बताता भी नहीं हूँ। कितनी उम्र है आपकी बच्ची की? सर, वो 5 साल की है और वो सारी चीजें, मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं हूँ जो आपकी नहीं देखती है। इनफैक्ट पाकिस्तान में सिर्फ आप ही एक ऐसे स्कॉलर है जिसको मैं अभी फॉलो करती हूँ, मैं सुने सुन समझ गया हूँ। 5 साल की, ठीक है, और पांच सारी साल सीख अब आप कहते हो वो मैं उसके साथ कितने उसमें नाम डेवलप कर आयशा, रही हूँ। कितने नाम बताया था मैंने? राबिया, राबिया राबिया 5 साल की बच्ची के लिए आपने इस वक्त जो 5 साल की बच्ची की रिक्वायरमेंट है वो देखनी, जो 15 साल की बच्ची की रिक्वायरमेंट है वो अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका, सिवाय इसके कि अगर जस्ट इन केस कोई रिसोर्स कलेक्शन करनी है तो वो आप अभी कर लें, मगर उसको उसके ऊपर अप्लाई सिर्फ वही काम होंगे जो 5 साल का दिमाग जो है ना वो बर्दाश्त लेकिन कर सर मुझे सकते। अपने आप को भी तो तैयार करना है ना, मैं तैयार होंगी तो बच्ची तैयार होगी ना, तो मैंने अपने आप को उसको 15 साल में मैंने पहले उसको प्यार आपको, सिखाना। अच्छा तो आपको किसने रोका है? आपको वो तो उसके लिए तो मेरी जरूरत नहीं है ना, उसके लिए तो मैं आप वो खुद। रोड मैप को कैसे फॉलो करूं कि मैं उससे आगे होंगी तो उसको उस डायरेक्शन तक लेके जाऊंगी ना। पांच साल की बच्ची को सुने सुने, 5 साल की बच्ची को तो अल्लाह ने 5 साल का किया हुआ, आप तो 5 साल की नहीं है, आपको तो जो दिल चाहता है आप करें, वो मतलब मैंने तो नहीं, आपको दुनिया में कोई बंदा नहीं आपको रोक सकता ना किताबें खोलने से, समझ रहे? 5 साल की बच्ची को तो अल्लाह ने रोका हुआ है, आप जितनी मर्जी किताबें दें, उसने नहीं पढ़, 5 साल का आप दिमाग किताबें नहीं है, उसको सिर्फ जुबान सिखानी है आपने, उसको सर सिर्फ वो अरबी सीख रही सिखाई है है। जुबान, वो अरबी भी सीख रही है, बाकी लैंग्वेज, वो बात कहने का बाकी पर्पस कौन सी ये है लैंग्वेज कि सीख रही? बाकी जैसे मैं जर्मनी में हूँ तो वो जाहिर बात है किंडरगार्टन जाती है, वो जर्मनी जर्मन लैंग्वेज सीख रही है, इंग्लिश को साथ लेके चल रही है, उर्दू उसकी मदर लैंग्वेज है, तो ये चीजें वो कर रही है, और बाकी दिमाग चीजों में में भी छोड़े आप, अरबी पे फोकस करवाएं, भूल जाती है वो भी। अच्छा नहीं। अभी यहाँ वो आपके सोर्स कोड में अरबी की लैंग्वेज ले रही है मैम नहीं, असमा के इसको थ्रू।
जर्मन कहाँ से सीख रही है वो? कौन से स्कूल जाती है किंडर वो? गार्डन से, स्कूल में नहीं जाती अभी, उसकी एज ही नहीं है स्कूल वाली। घर से बाहर निकलती है किंडर गार्डन जाने के लिए? जाहिर बात है सर, किंडर गार्डन में घर से बाहर ही जाती है। स्कूल ही हुआ ना, मैं उसको स्कूल मावर्तन कह रहा हूँ ना, ठीक ओके है। ठीक। तो मैं ये इससे पूछ रहा हूँ कि अरबी पे फोकस करें और उस तरह का फोकस करें कि फैसिलिटेशन और बढ़ा दें उसकी, कि उसका कब वक्त कम बचे, जो 7वें साल में सीखनी है वो 6ठे साल में, जो काम 8वें साल में उसने अरबी सीखने के बाद एक्सप्लोरेशन करनी है वो अभी से उसको, एंड फाइंड आउट मोर पीपल इन व्हेरेवर इन जर्मनी यू आर जो कि आपकी तरह सोचते हो, उनके साथ ऑनलाइन ग्रुप्स बनाएं या फिर उनके साथ फिजिकल बच्चे के इंटरेक्शन करवाएं जो उसके एज के फेलोज हों, बेशक 6 साल के हों 7 साल के हों मगर उसके आसपास के हों। वो बच्चे ज्यादातर फिजिकली बोलेंगे चाहे चलेंगे, उसके बाद वो बच्चे जब अगले स्टेप पे जाएंगे तो वो उसके ज्यादा और ज्यादा तकवीत देंगे आपके बच्चों को। जर्मनी के किंडरगार्टन में जिधर भी वो सर मेरी जाएगी, आवाज आ रही? जी सर कौन? मैं आपसे सवाल कर रहा था हमजा। मेरा नेट जो है ना वो मसला कर गया था, कोई ठीक है, मेरे बात नहीं, हम बकाया बात सवाल। कोई बात, आप लाइन पे ही रहेगा। मैं एक खातून से अभी, वो आप तो चले गए थे ना इस दौरान तक, वक्त रुका थोड़ी था, एक खातून से बात कर रहे हैं। मैं आता हूँ आपके बारे में, आपको कहीं नहीं जा रहे, ठीक है? ठीक है ठीक है, आप अभी नहीं नेट चला मेरे जाए मेरे जी। यानी कि सवालात तो हो लेने देना, फिर निकल ना जाए जेन से। लिख लीजिए, अब मैं किसी खातून के साथ इस तरह तो नहीं करूंगा अगर उनको बीच में से मेरी छह छोड़ महीने दूं। के हाँ जी बाद बारी आई है, और मैं 6 मंथ्स तक यहाँ पर, मेरे पास सिर्फ 4 घंटे सोने का टाइम है, उसमें भी मैं आपकी वीडियोस, ये राबिया, लाइव क्वेश्चन राबिया, बता राबिया, रही आप अपना ही वक्त जाया कर रही, मैं आप ही कोई वकालत कर रहा हूँ, आपको क्यों टेंशन हो रही है जजमेंट पास करने की? हम जरा लाइन पे रहिएगा, आप कहीं मत जाइएगा जी। तो राबिया अभी आपने कुछ स्ट्रेस नहीं लेनी बच्ची को, एटलीस्ट बच्ची के ऊपर कुछ स्ट्रेस डाल मत दीजिएगा। अपने ऊपर 1000 स्ट्रेस डालें, आपको तो काम है, जल्द अज जल्द आप सीधा कुरान, तफसीर, स्पेशली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल आपके पास हो, बच्चे को सोचना सिखाने के लिए आपको पता होगा मुकदमा कैसे दायर करते हैं किसी एक मामले पे, बंदे पे, और किस तरीके से प्रेसिडेंस लेके आते हैं, ये आपका बेसिक काम है, बेसिक एडवांस नहीं। सो आपको बस इतनी की बात बता दूं, जब उसने 8, 9, 10, 12, 14 साल का होना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि राबिया जो है ना दुनिया की नंबर 1 स्कॉलर ना हुई तो फेल हो गई नीचे। आपकी बच्ची का नाम क्या है, हानिया, क्या स्पेलिंग है? HANIA। हाँ नहीं, तो हानिया ने फेल हो जाना क्योंकि राबिया ने यू नो इमाम काबा की पोस्ट नहीं पकड़ी थी, ऐसे नहीं होता। आपका काम फैसिलिटेशन है, आपको जो चीज नहीं आती आप कहीं से लेके देंगे उसको, कोई सवाल का जवाब नहीं आता लेके दें, कोई टीचर नहीं आता वो प्रोवाइड करके दें, आपके पास सारे आंसर होने का कोई मशरूत नहीं है माँ का सबसे बड़ा आलिम हो जाना, ठीक है, अच्छी माँ होने के लिए। सो आप अपने आप को उस तरीके से रेडी करेंगे जिसमें आप प्रेशर ना देते हो, इमोशनल टॉर्चर ना हो बच्चे को, ट्रामा ना हो उसको, 12वें साल के बाद पेन में डाल के रगड़ा दें और उसको पता हो, डिसिप्लिन उसका स्ट्रांग हो, सुस्त ना हो बच्ची, अभी से सुस्त ना हो जाए, ये वाला काम बचपन से देना पड़ता है, सुस्ती ना आए उसमें, फिजिकली एक्टिव करना पड़ता है, उसके मसल डेवलप करने पड़ते हैं, भगाएं दौड़ाएं, स्पोर्ट्स में डालें, लैंग्वेज के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी लैंग्वेज से भी ज्यादा जरूरी है इस वक्त, सच बताऊं लैंग्वेज से ज्यादा जरूरी है इसकी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि मेरा मकसद ब्रेन का साइज बढ़ाना है, तो लैंग्वेज भी सर ब्रेन का साइज बढ़ाती है, बस यहां तक आपकी रखिएगा बस, और सुने ना बच्चा, मैं आपको बार बार, हम एक दूसरे से बहस नहीं करेंगे ना इस वक्त, सुने। तो इस वक्त आगे मैथ्स करनी है 7वें साल में और वो कभी भी नहीं छोड़नी, फिर 9वें 10वें साल में फिजिक्स शुरू कर देनी, वो कभी भी नहीं छोड़नी, बायोलॉजी शुरू कर देनी है, फिर 12वें 14वें 15वें साल में सोशल साइंस साइकोलॉजी शुरू कर देनी है, वो कभी भी नहीं छोड़नी, हाँ कभी भी नहीं छोड़नी, सारी उम्र तालिबे इल्म रहेगी, जी हाँ मुसलमान है, कुरान सीरा 12वें साल के अंदर अंदर सीरा की तालीम उसको शुरू हो जानी चाहिए, 14वें 15वें साल में शी शुड बी दी एक्सपर्ट, शी शुड नॉट, शी कैन नॉट अफोर्ड टू बी सरप्राइज बाय एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में कोई बंदा उसको नई बात ना बता सके अपने नबी की, इस लेवल पे सीरा ट्रेन करनी है आपने 16वें 17वें 18वें साल से पहले पहले, ठीक है, तो आपके पास है अभी टाइम, बट अभी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार डालने के लिए वो वाली कहानियां सुनाएं जिससे बच्चे जो है ना किसी भी एक इंसान से प्यार करते हैं, वो रॉकेट साइंस तो नहीं है, किसी भी इंसान से, मैं अगर आपकी कहानियां मुझसे मिलती है आज 5 साल की बच्ची तो मैं उसको क्या उसके साथ बर्ताव करूंगा जो उसको मुझसे प्यार होना शुरू हो जाए, उन्स बढ़े, उन्सियत के अंदर वो मुझे याद किया अगर मैं उसके सामने ना हूं, हालांकि मैं स्ट्रेंजर हूं तो मुझे पता है ना कि क्या करूंगा, मैं उसको डांटूंगा तो नहीं, उससे प्यार करूंगा, उसको तहफ दूंगा, उसके साथ खेलूंगा,
उसको वो वाली चीजें बताऊंगा कि पहले पूछ के कि उसकी जोन में हो, रादर के वो खाना क्या खाती है, वो क्या देखना चाहती है, वो क्या कहाँ खेलना चाहती है, क्या खेलना चाहती है। मैं अपने आप को एडजस्ट करूंगा ना बच्ची के लिए, बच्ची को तो नहीं अपने ऊपर एडजस्ट करूंगा ना, 5 साल की है 6 साल की। तो मेरी मेरी डिमांड ना कि मैंने नीचे जाना है उस दिमाग के अंदर, कि जिस दिमाग के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ प्यार है, सिर्फ और सिर्फ डर है, ये दो चीजें होती है बच्चे में, प्यार और डर। तो आपका काम होता है डर का बटन दबा दें या प्यार का बटन दबा दें, और डर का बटन तो खुद ही दब जाता है, इतना सेंसिटिव होता है। तो आपको बड़े प्यार से बच्चों के साथ तो यही करना है। प्रॉफिट जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे उनसे, तो बच्चा डर ना जाए, बच्चा मुतनफर ना हो जाए, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, बच्चा थक ना जाए। माएं सुनाती हैं कहानियां, बच्चे थक के सोए हुए होते हैं और कहती हैं देखो कितना सुकून है इनको, वो बेचारे बोर होकर सो गए, इतना बुरा वैसे हाल किया मेरा आपने उनका। ठीक है, तो वो सुकून नहीं है, बच्चा तो सोता ही नहीं अगर एक्साइटेड होता है तो। ठीक है, जो बच्चे को एक्साइट करना होता है, मगर अभी आप स्टेप बाय स्टेप, 5 साल की बच्ची पर प्रेशर ना डालें, उनको जन्नत दोजख के बातें नहीं करते होते, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करते होते, उनसे डिसिप्लिन करवाते होते हैं, कोई किसी पे कोई मतलब कोई मार कुटाई ना कराए, ज्यादती ना कर दे, लोगों को देने वाली हो अभी से, उसके तोहफे लोग बच्चों को दे रही हो, छीनती ना हो उससे, बस बेसिक्स पे रखें आप। 5th ईयर के ऊपर सिर्फ लैंग्वेज का जोर देना है, अल्लाह ने जब दिमाग का हिस्सा बनाया नहीं हुआ जिसके ऊपर जोर डालना है, तो फिर किधर जोर डालेंगे, हवा में जोर डालेंगे, दैट्स इट। और ज्यादा स्ट्रेस ना लें आप, यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू अबाउट मनी। ईमेल के बारे में आपने रिप्लाई नहीं किया मुझे, एमन कौन है? ईमेल के बारे में आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया जो मैंने आपको लिखी थी, आपने मुझे परमिशन दी थी, ये मैंने कुछ लिखी थी, पूछा था आपने ईमेल में? मैं उसमें मैंने डिफरेंट बात की थी आपसे, तो इधर बच्चे थे कोई और तो बात क्यों कर दी है? यही हो, इधर भी वही बात करनी चाहिए थी आपको। मैं दोबारा एग्जाम वो मेन कंसर्न क्या नाम था, था जो साइन मैंने, साहब मेरा नेट मसला कर रहा है तो मेरा सवाल इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि बाद में पता नहीं आपने ऐड करवाना भी है कि नहीं, तो मेहरबानी करके जरा सा। ये इतने जहर से बुझे हुए अल्फाज कहाँ से लाए हैं? बाद में कराना है कि नहीं? मैंने आपको जबान दी है, अभी कराता हूँ, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं? मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ आपसे कि मैंने कराना है जी। ईमेल का जवाब है आप, ये है कि मेरे पास तकरीबन 300 से 350 ईमेल्स पर डे और एक सेशन की आती हैं। मैं ईमेल बॉक्स, मेरा ईमेल एड्रेस भी लोगों ने वायरल कर दिया हुआ है, मेरा फोन नंबर भी, तो वो इस काबिल ही नहीं रहा हुआ कि मैं उसको बैकलॉग भी करूँ। पहले मैं फिर बैकलॉग कवर करता होता था, 6 मंथ्स का बैकलॉग था मेरा 2023 में, अर्ली 2023 में, 6 मंथ्स का मेल का रिप्लाई करना मेरा सुबह फजर के बाद 1 घंटे का काम होता था, रात को सोने से पहले 1 घंटा लगा देता मैं, कि मैं तो जितनी इसका जल्दी मतलब है कि शॉर्टेस्ट आंसर दूं। बाप बैकलॉग भी कवर नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं मेरी लास्ट ईमेल, जो लास्ट ईमेल जो मैंने रिटर्न में ईमेल की भी है जो रिप्लाई के तौर पे, वो पिछले साल जून की है। आपको पता है पूरा साल हो गया, मुझे याद है वो किस डेट की ईमेल। क्यों मुझे याद है? क्योंकि वो हमारा एक लॉन्च चलने वाला था पिछले साल 25 जून को, हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना, सब्जेक्ट लॉन्च करना था, और मैंने ईमेल एक्सेस करनी थी, तो उन्होंने कहा था आपका मेल बॉक्स अपनी कैपेसिटी छोड़ चुका हुआ है, हम सर्वर खरीद खरीद के मेरा मेल बॉक्स करवा रहे हैं। मतलब सर्वर तो नहीं खरीदे थे, सर्वर हमने डेटा बैंडविड्थ खरीदी थी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स नॉट पॉसिबल, पाकिस्तानियों ने मेरे फोन नंबर के साथ भी और ईमेल एड्रेस के साथ भी जानते बूझते ऐसे ऐसे ग्रुप्स में डाला कि तंग करो इसको, इसको इसको हरास करो फोन नंबर पे भी, तो कर अब मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में? अब दूसरा ईमेल एड्रेस बनाऊंगा तो वो भी ऐसे कर देंगे। आपको मैं कैसे बताऊं कि कितना कठिन है पाकिस्तान में ठीक काम करना, कितना कठिन है, कुछ भी नहीं छोड़ते हुए आपके साथ बस, और अपनी तरफ से समझते हैं शरारत की है और मजाक कर रहे होते हैं जी। इनको आखिरत वाले दिन ऐसे ऐसे गुनाह अभी जो मैंने किए भी नहीं है, अल्लाह ना करे मैं करूं, मगर किए तो ऐसे ऐसे गुनाह तोहफे में दूंगा ना मैं इनको, वहां पे मुझे बरी कर रही है बस। मगर मेरा मकसद में बहुत मसाइल आते, ठीक है। सो ये बात नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ जिस कॉम में आए हैं उधर ऐसे मसाइल इनएविटेबल। तो अच्छा हुआ आपसे बात होगी, वर्बली बात हो गई, और ईमेल की जरूरत नहीं। जी हसन, नेक्स्ट लीजिए। जी अच्छा, पहले तो अब आपने कहा कि आपके जो है ना वो जुबान में जो है ना वो जहर सी बात की है, वो उसके आपका क्या मतलब था, मुझे वो तो पहले सर लिए अगर जो है ना आपको वो नहीं काट। पता कि आपके अल्फाज में जहर है तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन के ना, रिकॉर्डिंग सुन के अपने दोस्तों अहबाब से ना जरा वो कर चलिए छोड़े इस दें। बात को, आप चलिए छोड़े, आपको क्वेश्चन ले। जी जी छोड़ें, आप भी छोड़ दें, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी छोड़ दें, मगर मशवरा जरूर कीजिएगा किसी जी शोर बुजुर्ग से कि मेरे अल्फाज को जहर में क्यों बुझाया है इसने। जी जाई रखें, जल्दी कीजिए, छोटा चलिए कीजिएगा ठीक है, सवाल वो भी। तो नहीं छोटा ही होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, टेंशन ना लें। अच्छा
मैं पहला सवाल तो चले बिल्कुल वो सर, नेट प्रॉब्लम था वो हो गया। मेरा ये है कि जो इंजीनियर साहब है वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने बड़े स्कॉलर हैं, आप वो क्यों नहीं कर सकते? हम तो अभी तक एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हैं और आप जो बातें कर रहे हैं वो तो 25 साल आगे की बातें हैं। पता नहीं वो होगा भी कि नहीं होगा, वो क्या सीन होगा, आप हमें अभी से कंफ्यूज कर रहे हैं। बेस से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? जिस तरह इंजीनियर साहब स्टार्ट कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे स्टार्ट? आप हमें इतना कंफ्यूज कर रहे हैं, हमारे यानी कि यूथ को, हमें, कि आप जो है ना वो 25 साल आगे तक हमें लेके जा रहे हैं। ये बातें जो आप कर रहे हैं वो 25 साल आगे की बातें हैं। आप बेस बनाए ना हमारी, बेस क्यों नहीं बना रहे? हमजा और कोई दूसरा एक ये बात बताए, कि हमजा एक सवाल एक हक में करो ना, ताकि जवाब दे सकूं। दो सवाल करेंगे तो फिर कंफ्यूज कर दूंगा मैं आपको, समझ रहे हैं? मैं बेसिक सी वो तो बात कर आपने दूंगा। पहले किया हुआ है ना, जो हाँ मैंने तो सवाल आप, किया है ना। आपको आपको क्या जारी रखूं या फिर कंफ्यूज ना कम करूं? तो जवाब दे देने दे मुझे पहले एक सवाल का, दूसरे सवाल चले का चले जवाब फिर भी। जी जी, चले आप आप दें बेस एक पर। मिसाल दीजिए, एक मिसाल दीजिए जो बेस की हो, बेसिक सी बातों की हो, और एक मिसाल दें जो 25 साल आगे की बात की हो। कोई एक छोटी सी मिसाल दीजिएगा। छोटी सी मिसाल आप, मैं आपको यानी कि क्या दूं मिसाल? आपको नहीं पता, यानी कि आप खुद बातें करते हैं, आपको पता ही होगा। सर मुकदमा आपने किया है और बगैर सबूत के आ गए कोर्ट में। नहीं, आप मुझे सवाल का जवाब दें ना, आप मुझसे क्यों मिसाल मांग रहे जी हैं? मैं सवाल का जवाब ही देने लगा हूं, आप मुझे बता दें जो अभी की एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात है उसकी एक मिसाल दे दें, और दूसरी जो 25 साल बाद की आपके बुढ़ापे के ऊपर जो बात करनी चाहिए, जो अभी कर रहा हूं 25 साल, उसकी मिसाल दे दें, ताकि मुझे पता चले, मेरी तसदीक हो जाए। जी आप जो जहाज जहाज की बातें करते हैं फलस्तीन के मामले में, ठीक है ना, जी आप खुद तो उस पे जो है ना वो 25 साल लेक्चर ही दे रहे बाद हैं, की आप बात क्या कर रहे हैं? ठीक है, नहीं, और उसके ये अलावा अगला सवाल है, ये अगला सवाल है, इसका जवाब अलग से देता हूँ, टेंशन ही ना लें, इसका जवाब तसल्ली और तशफी हो जाएगी। ये नहीं, सवाल पिछला आप सवाल नहीं, 25 साल आगे की बात नहीं, 25 साल आगे वाली बात का जवाब दे दीजिए। बेसिक्स बेसिक मेरा तकाजा आपसे, कोई मिसाल दे दीजिए। जवाब तो अच्छा, मिसाल मैं वही मिसाल दे रहा हूँ ना, आप जहाज जहाज कर रहे हैं। जहाज तो ये देखिए, और अभी अच्छा हम अच्छा ठीक हमारी है ठीक है, कंडीशन मैं है। समझ गया हूँ हमजा, रुक जाए, मैं समझ गया। जहाद करना 25 साल बाद की बात है, अभी हम जहाद नहीं कर सकते। कितनी उम्र आपकी? बिल्कुल सर, मेरी 22। 22। हजरत अली बिन अबी तालिब ने बदर की लड़ाई के बाद कितनी उम्र थी उनकी? उनकी उम्र थी गालबन 20-25 साल थी गालबन। अच्छा गालबन 25, कम गलत बता रहे, ज्यादा बता रहे, कम थी। ठीक है अच्छा, गौर से सुनिए। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, हुसैन अलैहिस्सलाम नाम सुना हुआ है? इतनी बेसिक्स तो पता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुना हुआ है, हम उसको उनको यानी कि अपनी सारा आंखों पे रखते हैं, इमाम मानते हैं। आप जवाब दें ना। पक्की बात है, पक्की बात है। जी, हुसैन अलैहिस्सलाम के, हजरत फातिमा के बतन से कितने बच्चे थे? हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा कोई से तीन के नाम बताएं। किनके बदन से? हजरत हुसैन के तीन बहन भाइयों के नाम बताएं सर, आपको मुझे बता पता चले आपसे बेसिक बात करनी है या बिल्कुल ही प्री बेसिक बात करनी है। आपको नहीं पता उन नामों का? अच्छा आप तो जब भी सवाल करूंगा आप मेरे पे वापस डाल देंगे या फिर कुछ जवाब देंगे? जी हमदा आपके इमाम हैं, आपने कहा इमाम हैं आपके, उनके बहन भाइयों के नाम भी बता दें। अली बिन अबी तालिब के बच्चों के नाम पूछ रहा हूं, आपके आप मुझे इमाम के सवाल बहन का भाई जवाब पूछ रहा दें हूं। ना, आप किस तरफ जा रहे हैं? बताता हूं ना क्यों पूछ रहा हूं, तब बताऊंगा, जी फिक्र नहीं सवाल, करें। कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि आप बेसिक का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, प्री बेसिक का बोलें, कहें सर हम इस्लाम में नहीं दाखिल हुए, हमें तो पता ही नहीं, हम तो खाली नाम लेते हैं। सही कह रहे हैं आपके बारे में मोहम्मद अली मिर्जा, सुने अगर गौर से। हुसैन क्या अलैहिस्सलाम मतलब ने, आपके इमाम मेरे वालिद साहब है हुसैन अलैहिस्सलाम, ठीक है, मैं हुसैन का बच्चा हूँ, नकवी हूँ, गौर से सुनना, गौर से समझना, और हर उस बंदे को बताना कि सैयद जादे ने बोला है, आज गौर से सुन लो, आज पहली दफा बता रहा हूं मैं, जी कि जी हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अरब का एक बच्चा, हमजा बच्चा 4 साल का बच्चा, एक भी बच्चा नहीं है जिसको मगाजी पे जहाद पे ट्रेनिंग नहीं होती। आप कह रहे हैं जहाद 25 साल बाद की बताऊं आपको? 25 साल बाद आप पता कितने होंगे? 50 के हो जाएंगे आप। 5 साल के बच्चे को हुसैन आपका इमाम मेरा वालिद कह रहा है कि 5 साल के बच्चे को जात सिखाओ, आपका मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे हैं आप 25 साल बाद की बात है ये? क्या
किस दुनिया में रह रहे हैं आप? इस्लाम की नई पिक्चर देनी हो ना तो उसके लिए आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो। इस्लाम की ओरिजिनल पिक्चर में 5 साल के बच्चे को एम्ब्रियोनिक बातें करते होते हैं, 25-25 साल के बुड्ढों को नहीं एम्ब्रियोनिक बातें करते होते। एम्ब्रियोनिक बातें एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करते होते हैं, वो ध्यान से समझे। ये तो कंफ्यूज नहीं किया ना मैंने आपको, ये तो बेसिक हुसैन अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाई आपको। जहाद की बात के लिए आपको 50 साल का वेट करना, तब आप लागर होके सोटी से लग जाएंगे जहाद करने, या 25 साल के गबरू को बोलोगे भाई किस बात की जवानी का नशा है तुझे? सोचें तो सही क्या बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे। और मैंने जहाद की बात करी, किसको कंफ्यूज किया है? अगर मिर्जा साहब के फॉलोअर जहाद की बात से कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर तो ये लकुम दीन हुकुम वली दीन वाली बात आ गई। ये बात एम्ब्रियोनिक और पोस्ट पुबर्टी की बात नहीं हो रही है, ये तो लकुम दीन हुकुम वली दीन की बात है। सुने सुने अभी बताता हूँ, फिक्र नहीं करे, ये मुकदमा पहली दफा नहीं आया मेरे पास कि सर आप ना बहुत आगे की बातें करते हैं। मुझे पता नहीं किसने कहा है अभी कि सर वो यूनिवर्सिटी में तो बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं, आप यूनिवर्सिटी की डिग्री सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही आपका भी मेरा ख्याल है, मतलब है ठीक है, गौर से समझ लें। अभी पहली बच्ची को आयशा नाम था, और सुनो ना बेटा आपकी बात, काटना मत जवाब दे रहा हूँ, बेसिक बात करने लगाऊ ना तो आप सुन भी लिया करें ना। असल में कंफ्यूज आप इसलिए होते हैं, आप पूरी बात सुनते नहीं, इसलिए नहीं कि मैं आगे की बातें करता, गौर से समझे। अभी मैंने उस बच्ची को कहा है कि बेटा अवाम अवाम के तीन सेक्शंस हर दौर में रहे हैं, एक लो मेंटल क्लास का रहा है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए भी, सहाबा के होते हुए भी, मैं मिसालों से बताऊंगा अभी आपको, मिसालों से, हदीसों से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से भी, अबू बकर सिद्दीक की हदीसों से भी, आलिम नबी तालिब की हदीसों से भी सुनाऊंगा आपको कि ये तीन लेयर्स कैसे देखनी होती। अभी बताता हूँ, फिक्र नहीं करें। और ये वो लोअर लेयर होती है, लोअर मेंटल क्लास, जो चाहे जितना मर्जी इस्लाम आगे पीक पर चला, जितना मर्जी यूनान आगे चला जाए, रोम आगे चला जाए, अमेरिका आगे चला जाए, अमेरिका में भी ये लोअर मेंटल क्लास ज्यादा है रहेगी। इस्लाम के मदीना में भी, यूनान के अरुस्तु के टाइम के ऊपर भी, चाइना में भी, स्कैंडिनेविया में भी, लोअर मेंटल क्लास अवाम के अंदर सूरह इनाम के अंदर अल्लाह ने कुरान में बता दिया है, ठीक है, ये हमेशा रहेगी। चाहे कौम कितनी मर्जी तरक्की कर जाए, ज्यादातर लोग इल्म से नावाकिफ ही रहेंगे, उनको रोजी रोटी दिन भर के चक्का कूलू का बैल बन के घूमने का काम के अलावा कुछ समझ नहीं आनी। वो हमारा वर्कर भी होता है, उसने बस ये वाला निजाम चलाना होता है, उसका बस यही काम होता है। उसके ऊपर एक और लेयर होती है जो अपनी तक दो में ऊपर बढ़ने की कोशिश करती है, वो फेल होती है, पास होती है, एक अलग बहस है। और फिर कुछ खास चुने हुए लोग होते हैं जिनकी बातें सुन के लोअर मेंटल क्लास वाले कहते हैं ओ ये तो बहुत आगे की 25 साल और 50 साल की बातें। ये हर दौर में रहती बेटा, मसला पता क्या है, इनकी जरूरत होती है कि हर वक्त हर रोज वो 25 साल आगे वाली बातें रोज की जाएं, ताकि शऊर वाले लोग शऊर डेवलप करते रहें। हर रोज आज के दिन भी एक शऊर वाला बंदा तरस रहा प्यासा कि आज कुछ इल्म की बात करो कि मैं नीचे चश्मे बहाऊं, ठीक है। ये जो आप कह रहे हैं ना एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये एक लो मेंटल क्लास की निशानी है कि भाई हम सबके सब नीचे ही हैं। नहीं, सब के सब नीचे नहीं है, हर दौर में ऊपर के लोग भी रहेंगे, बीच के भी रहेंगे, नीचे के भी रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको हदीसों से साबित करता हूं। मस्जिद नबी के अंदर बदुओं के जो हरकत और सकनात थी वो सब ने पढ़ी हुई, नहीं पढ़ी तो कोई पढ़ ली, उसको 25 साल आगे जाने की जरूरत नहीं। 1400 साल पुरानी, 1400 साल पीछे जाए किताबें लेके आए अहदीस की किताब में, बदुओं के बिहेवियर क्या है, आम आवाम अपनी जहालत में क्या क्या हरकतें करती थी। हालांकि मुसलमान हो चुके थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स अटेंड करते होते थे, नमाज के दौरान एक बद्दू पीछे से उठ के नमाज के बाद कहता है यार सब दुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करा के अभी दुआ शुरू करने लगे, पीछे से आवाज आती है या अल्लाह मुझे और मोहम्मद को बख्श दे और किसी को ना बख्शी, ये कह के आमीन क्या और निकल लिया। सहाबा पीछे मुड़ के देख रही है कौन चीज आई थी, फिर नबी सल्लम को देखा उन्होंने, प्रॉफिट सल्लम ने फिर ये ना हो कि ये बात ये मेरी खामोशी की वजह से लोग समझें ये भी दुआ जायज है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया खुद बता दो इसकी में ज्यादा अकल थी या इसके ऊंट में जिसमें भी बैठ के निकला है, ठीक है। ये आवाम हर जगह रहती है। अबू बकर सिद्दीक से सहाबा ने आके लिटरल रिटन कंप्लेंट की कि ये ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू हो गए मुसलमान अब्रबाद पर जाके कि आपको अगर पता चल जाए इनको दुर्रे मारे कोड़े मार मार के इनको जिंदा ना छोड़े, इनकी जबान खुलती है तो गाली निकलती है, ये बात करते हैं तो ताना करते हैं, जब इनको मौका मिलता है हमला कर देते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, असॉल्ट करते हैं हमारे ऊपर भी। अल्लाह अबू बकर सिद्दीक ने कहा तो तुम क्या सोचते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ से बनाई हुई क्रीम तुम्हें हर जगह नजर आएगी,
आप तैयार हो जाओ, ज्यादातर लोग तुम्हें तंग ही करेंगे। पढ़े अबू बकर सिद्दीक की हदीस है मुसलमानों के अफवाह मुजाहिदीन के बारे में कि अवाम के अंदर बेटा ये लेयर रहेगी। अब इस तरह की वकवा छोड़ दो कि वो जो चोजन 300 हैं वो तुम्हें हर जगह पर रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, नहीं, हमेशा ऐसे होगा। और ये मदीना के अंदर भी रहे, अरब के अल्लाह के उमर खत्ताब की रियासत के अंदर ज्यादातर मसाइल नीचे के लेयर के थे, इनको कंट्रोल करने के लिए उमर खत्ताब ने जब गवर्नर चूज किए तो अली बिन अबी तालिब ने कहा, अब मैं सहाबा से मिसाल दे रहा हूँ, या अमीर उलमोमिनीन हर एक को गवर्नर लगा रहे हैं आप, मुझे क्यों नहीं आपने कभी गवर्नर के लिए कंसिडर किया, ना कि मैंने कोई जरूरत पेश की आपको मगर आपने कभी कंसिडर भी नहीं किया। तो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ने कहा, ओ अबुल हसन तुझे पता नहीं है किन लोगों को लगा रहा हूँ और किन लोगों के लिए लगा रहा हूँ, ये खुद गली मोहल्ले के वो सारे के सारे गुनाह करते रहे हैं, ये उस क्लास में थे जिनको मैंने उठा के गवर्नर लगाया ताकि ये उनको पता चले कि कौन से गुनाह करते हैं, कैसे पकड़ना है इनको। तुझे तो अल्लाह ने कभी गुनाह के पास नहीं थे भटकने दिया, तुझे तो पता भी नहीं चलेगा नीचे से कंट्रोल कैसे करना है, ये उस क्लास के लोग हैं जिस क्लास को मैंने कंट्रोल करने के लिए इनको लगाया। पढ़े मेरे नहीं, ये मेरी राय नहीं है, मैंने सीरा में नहीं पढ़ाई है, उमर खत्ताब अहदीस की किताब से कोट करो, ठीक है, इन क्लासेस को समझे। अब आपने कहा कि वो 25 साल आगे की किताब, नहीं 25 साल आगे की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, आज की जरूरत बता रहा हूं कि आज जो कंट्रोल कर रही है ना आपको इलीट, वो गोरों की इलीट है, वो 25 साल आगे की नहीं, वो आज कंट्रोल कर रही है मोहम्मद अली मिर्जा साहब को और उनके तमाम तर मदारस को। आजकल के जितने भी मुसलमान उलमा अपने आप को समझ रहे हैं उनको जो इजाजतें दे रहे हैं ना वो गैर मुस्लिम गोरे आज दे रहे हैं, 25 साल बाद नहीं दे रहे, वो दिमाग लड़ा के कर रही है, वो लोकल वर्ल्ड व्यू उनका और पोलिटिकल साइंस पढ़ी हुई उनको पता है कौन सी नस कहाँ से खींचनी होती है। आप समझ रहे हैं वो अपनी मर्जी से अकेडमी जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, उलमा है तकी उस्मानी साहब कराची में जो है वो अपनी मर्जी से, मुसलमान अपनी मर्जी से अजाने दे रहे हैं, जी नहीं, किसी शक में मत रहिएगा, ये 25 साल आगे की नहीं, ये तकरीबन 150 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 150 साल पीछे की, उस वक्त के जो बुजुर्गान थे ना, बुजुर्गान एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नहीं अपने आप को उलमा कहने वाले, उन्होंने ये काम छोड़ दिया था जहाद का, तो फिर अब उधर के यूरोपियंस बैठ के हमारी मस्जिदों को इजाजतनामे इशू करते हैं यूरोप के अवानों में बैठ के, और हम यहाँ समझते हैं कि जी पाकिस्तान तो दारुल इस्लाम है, यहाँ पे तो करारदादे मकासिद है, यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है कि नथिंग कैन बी रिपग्नेंट टू द कुरान एंड द सुन्ना। ये आपके वो बुजुर्गान है जो अपने आप को बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल स्कॉलर समझते हैं, शरिया काउंसिल जिसकी इतनी औकात नहीं कि आईली कवानीन के अंदर भी इंटरवेंशन कर सके, वो सियासियात की बात करेगी, वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की बराबरी करेगी, जिसके ऊपर हमारे कादियुल कुद्दा जाके बैठे होते हैं जिनको मिनट के लिए भी कोई सीरियस नहीं ले सकता। और समझे क्यों? क्योंकि ऐवान असल में डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर है, या पेंटागन या व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के फैसला करता है कि पाकिस्तान में मस्जिदें कितनी हो, इनको कहाँ कहाँ तक लिमिट करो, कहाँ कहाँ तक इनको इजाजतें दो। और ये लोग समझ रहे हैं कि वो हम बेसिक्स बता रहे हैं, और भाई आपको इजाजत है वो दे रहा है गैर मुस्लिम का बच्चा जो आप बेसिक, जिसको आप बेसिक कह रहे हो, बेसिक बता रहे हो, उसको मारने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी, वो एम्ब्रियोज निकाल के लेके जाएंगे हम अमेरिका को फतह करने, एम्ब्रियोज को तैयार कर रहे हो। अभी इस वक्त 150 साल से हमारे ऊपर ये लागू किया हुआ इन लोगों ने कि इनको इतना इतना से इस्लाम के अंदर रखो, काबू करके रखो इनको, बस नमाज रोजा जकात हज तक रखो इनको, बस दैट्स ऑल यू कैन डील, लेकिन इसके अलावा कुछ भी करें, इनको रेडिकल डिक्लेयर करो, इस्लामिस्ट डिक्लेयर करो, इनको मार दो, इन्हीं के थ्रू मारो, इनके अंदर नफरतें पैदा करो अपने मुसलमान भाइयों की, इनकी लिस्टें लगाओ अमेरिकन एम्बेसी में नहीं, पार्लियामेंट हाउस के अंदर, उन अशरा मुबशरा के, इनको मैं अशरा मुबशरा कहता हूँ कि जो आज के दौर के अशरा मुबशरा, आज के दौर के जिनकी लिस्टें अमेरिकन एम्बेसी में पाकिस्तान की पार्लियामेंट हाउस में लगती हैं, कि नहीं, इस तरह का मुसलमान ना हो जाना, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात है बेटा, ये 150 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 150 साल पुरानी, यहाँ पे कलमा नमाज और पांचे ऊपर कर और हाथ यहाँ पे बांध, रफा दैन नहीं किया अगर तो ये है तो बरेलवी काफर है, तो देवबंदी काफर है, नहीं तो ये है तो वही, तो ये थानवी ने ये लिख दिया, तो अशरफ अली ने ये लिख दिया, और चिश्ती ने ये लिख दिया, ये हमारे मसाइल है। और भाई चिश्ती ने जो भी किताब लिखी है या अशरफ अली थानवी ने, उसमें जो भी एक लाइन आपने 1400 किताबों में पकड़ लिया है, कितनी रिसर्च है, और भाई वो पढ़ लेते यार, अब इंग्लैंड में क्या लिखा है उन्होंने जिसकी वजह से आज तक हमारी मस्जिद आजाद नहीं हुई, ये आज की बात है जो अलावा इकबाल ने कहा था कि ये जो समझता है कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद, उस वक्त भी आप तो पैदा ही नहीं होते, असल में आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, लिटरली आपके परदादा लिटरली बायोलॉजी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, उसके बाद कोई यू नो वट एवर हैपन टू हिम ही बिकेम अ फ्रूट एंड देन ही व्हाटएवर एट हिम एंड देन ही नो यू केम 50 ऑड ईयर लेटर। ये मैं आपको लिटिल बातें बता रहा हूँ, आपको ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है,
इस वक्त का जो कमांडेंट इन इन चीफ है, इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ या इंग्लैंड में बैठा हुआ पॉलिटिकल कमांडेंट, वो हमारे आर्मी को और सिविल को किस तरीके से बागे खींच रहे और पपेटियर की तरह डोरियां खींच रहे, ये एम्ब्रियोनिक लोग हैं। इन लोगों के पास कुरान है, इन लोगों के पास हदीस है? जी नहीं, वो गैर मुस्लिम देहरी हैं, वो गैर मुस्लिम देहरी हैं, उनको सियासत आती है, उनको हदायत नहीं आ गई। जो आप बैठ रहे हैं कि जो मैंने इनका शिर्क, बाबों का शिर्क जाहिर कर दिया तो हम पाकिस्तान आजाद हो जाएगा, बाबों का शिर्क से नहीं आजाद होने से पाकिस्तान आजाद होना, इनको ताकत में लेके आना है। और ताकत में लाने के लिए 12-12, 13-13 साल की लड़की पैसे बना रही है यूट्यूब पे कुकिंग सिखा के, ठीक है, और रिसोर्स इकट्ठी कर रही है, वो गोरों की डांस सिखाती है गोरे की, और बिलियनर ट्रिलियनर गजिलियनर सारे के सारे गोरे बैठे हैं, और हम यहाँ पे बैठे हुए क्या है, फाइबर के ऊपर चोरियां कैसे करनी है हमने, फेक कॉल सेंटर कैसे खोलने हमने, समझ क्यों इस्लाम में डाला ही नहीं पैसा हमने, इस्लाम पैसे बनाना इस्लाम से निकाल दिया हमने लिटरली। और जो पैसा बनाने की कोशिश करे उसको ये देखे ना, ये पैसे बना रहा है, इसका मतलब है कि इसका ये हराम कमाता होगा। ये लो क्लास की लो हरकतें, लो मेंटल क्लास के हमेशा कीचड़ उछालने वाले लोग, हर तरफ से देखो बेसिक डेफिनेशन का फुकदान। और बेसिक डेफिनेशन क्या है, टॉप से बेटा बॉटम पे आओ, बॉटम से ऊपर लेके जाना, किसी भी दौर में किसी भी इंसान ने किसी भी मौके के ऊपर बॉटम अप अप्रोच के थ्रू हिदायत नहीं पकड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी टॉप डाउन किया, इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ टॉप डाउन चलेगा। और दुनिया के हर स्कॉलर ने, हर पॉलिटिशियन ने, हर जंगजू ने टॉप डाउन इंस्टॉलेशन की है किसी भी तहरीक की, चाहे वो खमीनी हो आज के दौर में, मंडेला हो आज के दौर में, या 14 साल पहले के, या आदम अलैहिस्सलाम से पहले, तमाम तरह 124,000 अंबिया हो, हमेशा टॉप डाउन लेके आते रहे। उमर खत्ताब के लिए दुआएं की हैं, या अल्लाह पूरा मक्का मुसलमान हो जाए, ये तो दुआ नहीं की, या अल्लाह पूरा मदीना मुसलमान हो जाए। उकबा के साहबी आए हैं जो पावर में थे, उकबा के साहबी साद बिन उबादा पावर में थे, खजरज के सरदार थे, साद बिन माज औस के सरदार थे, पकड़े मुसब बिन उमैर को, देखे उनका इन्फ्लुएंस, किस माँ का बच्चा है मुसब बिन उमैर, देखे कौन कौन से लोग उकबा के अंदर आ रहे हैं, वो मिनट के अंदर पूरी की पूरी शहर पाकिस्तान मदीना का नबी सल्लम को देते हैं, ऐसे पैरों में पेश करते हैं नबी सल्लम के, ये ले ये मदीना आपका हुआ, एक मिनट एक दिन पहले वो मुसलमान भी नहीं थे। डेफिनेशन ठीक करनी होती है बेटा, ऐसे नहीं होता कि हाँ पहले मैं कुरान पाक हिफ्ज करूंगा, बाद में अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं होता। ये बेसिक चार पिलर था, इनको समझ ली, इसके लिए 25 साल बाद नहीं, अभी आपको पता चल जाए कि पहले पहले गौर समझ ली, पहले इस्लाम को इन चारों पिलर्स के अंदर से ताकत में अगर ये ताकत ना पकड़ी तो इस्लाम के कैंसर बन जाऊंगा, पहले ये समझ ली। अगर ये चारों पिलर्स पूरे कर लिए तब कहीं जाके आपने इस्लाम के लिए काम करना है, काम करना है काबिल होना। सूरह ज़ुमर की, और जो आप सूरह ज़ुमर की जो आयात जो लोगों पे थोप रहे हैं, यानी कि लोगों पे लगा रहे हैं, वो तो उतनी ही जो है ना वो अंबिया कराम के लिए है। कौन सी सूरह ज़ुमर, सूरह ज़ुमर की कौन सी आयत मैंने लोगों पे थोपी है और क्या थोपा है मैंने, मुझे भी बताएं। वो अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जैसे आएगी मैं, और आपको नहीं पता, आप उनकी वीडियो देखते हैं, किसी की वीडियो देखते हैं और आप क्वेश्चन करने आ रहे हैं, अब तो रिसर्च खुद भी कर लिया करें। नहीं, आपको खुद आपने बयान किया है ना, तो आपको आइडिया होगा कि आपने कौन सी जो है ना वो आयत लगाई है और कौन सी, हालांकि ये तो अंबिया कराम के लिए है, आपने आज करके लोगों पे जो है ना वो लगाना शुरू कर दी हुई है, इसके बारे में बताए ना। रुक जाए, मुझे सोचने दें आप, सूरह ज़ुमर मैंने कई जगह पे कोट की है, पर रुक जाए ना हमजा, एक सवाल एक वक्त में रोके ना, रोके ना रोके, सूरह ज़ुमर का कौन सा मैंने पेराया, किस किस मौके पे सूरह ज़ुमर मैंने कोट कर दिया रिसेंटली, ये जाहिल वाली बात पे आपने जो ये कहा कि खड़ा नहीं होना यानी कि बड़े के लिए, आपने जो हमारी हालांकि इतनी यानी कि हमारी वो बनी हुई है कि हम बड़ों के लिए इज्जत के लिए खड़े होते हैं, हो सकता है वो हुजूर सल्लम की जो वो पर्सन यानी कि पसंदीदगी है, जो उनको शायद खुद को पर्सनली ना पसंद हो अपने लिए खड़ा करवाना किसी को, और आपने जो है ना वो बड़ों के लिए इधर खड़ा करना जो है ना वो कह जी ये गलत है, ये ताबूत में आ जाता है, शिर्क में आ जाता है, ये वो। देखिये मिर्जा साहब, एक तरफ कहते हैं कि मेरे नबी के जैसा तो है ही कोई नहीं, और जब बाबों की बारी आती है अपने बाबे जब खड़ा करते हैं तो बाबे पसंद आ रहे थे उनको, से कहे ना सर यहाँ पे भी तो लिखे ना मेरे नबी के जैसा है ही कोई नहीं, ठीक है आपके यहाँ पे भी आपके बाबे शाही कोई नहीं होने चाहिए ना,
ठीक है, यहां पे आप अपने कल्चर को क्यों कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ। खैर, अब नबी को नहीं पसंद तो फिर किसी को भी नहीं पसंद होना चाहिए ना, कहानी खत्म। इतना सा जवाब दें उनको बस, इस तरह ना करें नहीं, ना, आप जब हुक्म अपनी लगा मर्जी रहे हैं आए ना, तो हुक्म बाबे, सुनाना लगा है अपनी ना। मर्जी आए तो बाबों के लिए खड़ा कर दिया है, इस तरह तो नहीं, ना आप करें। हुक्म बाबे लगा आदमी रहे को हैं भी गलत ना। करें, नबी के साथ बाबों का मुकाबला नहीं। जब नबी को नहीं पसंद खड़ा होना, बात कहानी खत्म। आपके लिए ये आर्ग्यूमेंट है, वरना मैंने बड़ी तफसील से इसके जवाब दिए। छोड़ दें, मैंने समझा था कोई सीरियस सवाल है। सूरह जुमर मुझे समझ आ गया आप किसे कह रहे हैं। सूरह जुमर में जिसने भी ये कहा है ना कि वो आयत नबी सल्लम के लिए है या सिर्फ अम्बिया के लिए है, उसने सूरह जुमर पढ़ी नहीं पूरी। पढ़े वो आखिरत की आयतें भाई, आखिरत की आयतें हैं जिसमें वो अय्युहल जाहिलून बोला है, कुल अफगैरल्लाही तामुरूनी आबुदू अय्युहल जाहिलून, ये आखिरत की आयतों का मतन है। आप एक दो पढ़ लेते सूरह जुमर, या जो आयत मैंने कोट किया है उसे छह आयतें से शुरू करते, एक्चुअली यू नो 7 या 8 आयतों के बाद आखिरत की पूरी तफसील शुरू, आखिरत का बयान हो रहा है, नक्शा खींचा जा रहा है, और आपने कह दिया सारी ये जो आयात है वो अंबिया के लिए है। इस्तग़फ़ार पढ़े सर, ऊपर से जब अल्लाह ताला कुल बोलते हैं ना तो वो उम्मत के लिए बोलते हैं, या यो लजीना, मफहूम में ब्रैकेट में बता रहा हूँ क्योंकि इसका फर्क किया, या यो नबी भी बोलते हैं ना जब, तो वो भी हमारे लिए बोलते हैं। सूरह तलाक शुरू करें, या यो नबी, आप पढ़े सूरह तलाक, वो किसके लिए आया था? ये वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला थ्रेट, अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं नबी, ठीक है। और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कुल अफगैरल्लाह, या अपने नबी को यार सुल्ला कहीं ना इनसे, क्या इसका मतलब है? हमारे सामने भी होगा तो हम भी कहेंगे क्या? कहे कोई हठ धर्म आके आपको हुक्म देना कि हमारे सिस्टम को के अंदर आ जाओ, अपने सिस्टम को अल्लाह ला ना किया करो, हमारे सिस्टम को भी मानो सही। जब ये हुक्म दें, तामरूनी का मतलब है अमर में हुक्म दें, तो इनको कहो है जाहिलो, हट धर्म हो गए इस बात पे। ये नबियों के लिए हुक्म है, जरा सोचिए, ये नबियों के लिए हुक्म है या पूरी दुनिया के लिए हुक्म है? सेंस लगाएगा ना, गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम भी कहेगा यार ये वाली बात तो हमारे लिए भी हुक्म बनती है। आप मुसलमानों से भी हटा रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? ये खास किस्म की बीमारी है जो कि खास किस्म के डर के अंदर से आती है। जो क्लासरूम में ना बचपन में डरपोक किस्म के बच्चे होते हैं, वो बड़े होके ना फिर जब वो इस्लाम की तरफ आ जाए गलती से और वो कुरान खोल ले और वो स्कॉलरशिप में आ रहे हैं, तो वो बोला डर कुरान से भी निकालने कुछ कहते हैं, असली वाली आयतें जितने भी जिसमें बड़े बड़े काम है ना वो नबी सल्लम की तरफ मुख्तस कर दो कि बस ये उनके लिए थी। नाउज बिल्ला, आधा कुरान तो सीख कर दिया आपने, नाउज बिल्ला, क्यों सिर्फ मेरे नबी सल्लम के लिए था वो वाली कुरान की आयतें? हमारे लिए हुक्म नहीं हो? अल्लाह ने कुल से कुल हो अल्लाह हुआ अहद क्यों हमारे लिए है फिर? वो भी अल्लाह ने अपने नबी सल्लम से कहा था, जब नसरानियों ने कहा था ना बताए फिर रब का, तो अल्लाह के नबी सल्लम ये तो नहीं कहा था अल्लाह हुआ अहद? अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कुल हु अल्लाह आप मुझे ये अहद, बताएं, और उनको बता, बात सुनाओ, बात सुन बेटा, ऐसे नहीं भाई, बात सुन ले मुकदमा, मैं आप ही की सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जब सूरह इखलास में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ऐ नबी कहें इनसे, कहें कुल हु अल्लाह हु अहद, कि अल्लाह मेरा एक ही है बस, तो उधर आप क्यों कुल हु अल्लाह हु अहद को समझते हैं आपके लिए हमजा, वो भी मेरे नबी के लिए मुख्तस कर देना, इधर कुल अफा गैर अल्लाह ही ऊपर ये क्यों कहते हैं? नहीं, ये तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, ये क्यों सी साइंस निकाली आपने, हमें भी बताए। आप ये बताएं ना मुझे कि नहीं नहीं आप इसका जवाब आपके देना सर, कुल हु अल्लाह हु अहद आप नहीं पढ़ते, आपके लिए नहीं है ये, सिर्फ नबी नहीं सल्लल्लाहु पढ़ते अलैहि हैं वसल्लम हम, के लिए क्यों है। नहीं पढ़ते हैं पुराने पाक, हम पढ़ते हैं, ओहो, हमने क्यों नहीं पढ़ने का पढ़ना? मतलब है आप कोई पूछेगा आपसे तो ये तो नहीं कहेंगे ना, नहीं नहीं ये हम नहीं कह सकते अल्लाह एक है, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई आयत, मैंने तो ऐसा बताएं कहा ही नहीं है। या अय्युहल काफिरून, आप बताएं, बताओ, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल हु अल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल उहिया इलैहा अन्नहु इस्तमअ मिनल जिन, ये अच्छा मुझे सब ये आयतें। बताएं, चले ठीक है सारी बात। बेटा आप तो सवाल पूछने आए, मैं जवाब लेने नहीं आया, सॉरी सॉरी, अगला बंदे बदल ले सर, आप जवाब लेने आए नहीं हो सर, मैं आई एम सॉरी फलस्तीन के सर, लिए, मुझे मुझे लगा था आप नियत आपकी ठीक है, आपकी नियत फलस्तीन के लिए आप आप नियत फलस्तीन के लिए आपने क्या किया है? फलस्तीन के लिए आप सिर्फ लेक्चरों के अलावा क्या कर रहे हैं? आपका पूरा नाम क्या था? हमजा नहीं पूरा नाम क्या है आईडी कार्ड पे? जरा था, ये क्या लफ्ज़ है, आखिरी क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं? ये कौम है, कौम। देखें मैं इससे पूछ रहा था कि अभी लफ्ज़ समझ नहीं आया, आपके बड़े भाई हैं हमजा, क्या हाँ जी नाम है बिल्कुल उनका, सही था, क्या नाम है उनका? हसन हसन नाम। आपके वाले साहब का नाम क्या है? अली। अली। ओके,
तो आपने हसन साहब से और अली साहब से ये सवाल नहीं किया, आपने मेरे से सवाल किया है, तो मैं कुछ कर ही रहा हूं तो मुझसे सवाल कर रहे हैं ना ये, उनसे जाके सवाल लेकिन मुझसे कर रहे हैं, ये सारे मुझसे ही पूछते हैं, तो मैं ही हैरान होता हूँ यार, अपने बड़ों से सवाल नहीं कर रहे, मेरे से पूछते, इसका मतलब है कि मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरे पास आके पूछ रहे हो ना। ठीक है, अब गौर से समझना, मैं हदीस सुनाने लगा हूं, एक हदीस गौर से समझिएगा। हदीस ये है कि क्यामत वाले दिन जब सूरज सवा नेजे पे आएगा ना, सवा नेजे पे, तो अल्लाह के उस याकूती अर्श, अल्लाह ताला का अर्श याकूत से बना हुआ, याद रखिएगा, अल्लाह के उस याकूत के अर्श में के साए में कुछ लोगों को अल्लाह बुला लेगा, उसके अलावा अल्लाह के अर्श के अलावा किसी का साया नहीं होगा। ये हदीस समझ समझ लीजिए, बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमजा का नहीं किसी और का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि उस वक्त किसी का साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श, और 7 तरह के लोग उस साए के अंदर आ जाएंगे। अब उसकी तफसील में मैं नहीं अभी जा रहा, क्योंकि उस साथ वो पढ़ लें, उनमें से एक साथ में से एक बंदा ऐसा होगा कि जब वो किसी के लिए कुछ करता था ना, या जब कुछ देता था, तो दुनिया में क्या किसी को पता चलना, उसके दूसरे हाथ को भी खबर नहीं होती थी कि एक हाथ ने कहाँ पे अल्लाह की राह में क्या दे दी। ठीक है, तो आप मुझसे उल्टे लटक के पूछें, भाग के पूछें, हवा में उड़ के पूछें, लेट के पूछें, या खड़े होके पूछें, गुस्से में पूछें, या प्यार से पूछें, मैंने इस चाल में नहीं आना। आपने ये समझना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो फिक्र नहीं करें, ये जो बाकी लोगों को दावत दे रहा हूं ये काफी है, मगर जो मैं उधर कुछ कर रहा हूं, दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, ये मेरा आपका नहीं, मेरा अल्लाह का काम है। आपका काम यह है कि जो मैं कह रहा हूं वो करें। आप मेरी उम्मत में नहीं आए, मोहम्मद की उम्मत में आए हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना था ना, आपने वो करना है। मेरे करने ना करने से, कहने ना कहने से आपका दीन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। शाबाश, आप अपने नबी को फॉलो करें, मेरे पे तानाजनी देने की बजाय आप ये देखें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ने क्या हुक्म दिया इधर। ठीक है, दैट्स इट। मैंने आपका गिरबान पकड़ के फलस्तीन भेजा है ना, वहां से खींच के वापस लाया हूं मैं आपको। मैंने आपको जो कहा है कि भाई ये सुन्नत है, ये तरीका है, ये इसी तरीके से फलस्तीन को आजाद करा रहे कि सब इंटरनेशनल लॉबीज के मुसलमान आपस में इकट्ठे हों और पोलिटिकल प्रेशर डालें। इस वक्त तक, जब तक ये नहीं होता तब तक पाकिस्तान आर्मी किस बात के पैसे लेती है? चलो शाबाश, हथियार दिखाओ, नहीं तो जाना पड़ेगा, तो जाओ शाबाश, नहीं तो शहबाज शरीफ साहब को कह दें कि ये बिल पास कराए कि आर्मी जाएगी, वरना अगली दफा शहबाज शरीफ को वोट नहीं डलेगा। ये दो तरीकों से होता है कि आवाम पार्लियामेंट हाउस जाए, जो कि जाएगी नहीं, क्योंकि अवाम इस्लाम से एलर्जिक है। तो अकाबरीन तो इस्लाम से एलर्जिक नहीं है, अकाबरीन से कहीं फतवा इशू करे, दो फतवा इशू होते हैं इस वक्त, दोनों के दोनों इशू कर दें, कोई बात नहीं। अकाबरीन साहब रहमतुल्ला अलैकुम, तमाम तर अकाबरीन पे अल्लाह की रहमत हो, आपकी जान ही जाएगी, फिक्र नहीं करें ज्यादा से ज्यादा, तो और किस लिए जान रखी हुई थी, इस्लाम पे कुर्बान के लिए। अच्छा, शाबाश, दोनों फतवे इशू कर, और अगर आप दोनों फतवे इशू नहीं कर रहे तो कुछ जवाब दे दें हमें, ये तो ना कहें कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काउंसिल बुलाते हैं उलमा की, उसके अंदर बैत करना इस्लामी फरीजा है, ये तो ना कहें, या एटलीस्ट हमें बता दिया करें आप चीफ को बैत करके आ गए हैं, तो एटलीस्ट आपको अकाबरीन कहना तो मैं बंद करूं ना, फिर छुप छुप के तो ना ये करो ना, खुल के बताओ ना सारा कुछ। तो ये मैं आप सबको बताता फिर रहा हूं कब से, तो अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो ये बड़ी बेसिक सी बात है, ये नहीं समझ आ रही तो आप अभी इस्लाम के दायरे में भी दाखिल नहीं हुए हैं। शाबाश, ये ना कहें कि आपका इमाम हसन है, जिसका इमाम हुसैन या हसन होता है ना, वो साहिल अदीमों के पास नहीं पाया जाता, वो मोहम्मद अली मिर्जाओं की वीडियो नहीं देख रहा था, उसको पता होता है हसैन बनने का मतलब क्या है, वो जान हथेली पे रखता है और काबरीन के पास पहुंचा होता है, हर जगह पे जाता है, जिस तरीके से जो कुछ बन पड़ता है वो कर पड़ता है, काबरीन साहब फतवा निकाले इधर, क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे अलाउंस नहीं है टेल अवीव एयरपोर्ट पे लैंड करने की, वरना लैंड कर चुके होते सारे के सारे, मेरे कहने की जरूरत नहीं थी, लड़कियां भी लैंड कर चुकी होती पाकिस्तान की, वो मर्दों से ज्यादा बागैरत निकली हैं वो, तो ये बात ना करें आपके कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं, मेरे कहने से अगर आप कुछ कर देते होते तो फिर तो क्या ही बात होती, मगर मैं इतना कुछ कर रहा हूं कि सारे मेरे पास ही आके पूछ रहे हैं, फिक्र नहीं करें, ये भी काफी कुछ करने के मुतरादिफ है। ओके, कि लोगों को बार बार पोक कर रहा हूं मैं, और सारे के सारे मेरे पीछे पड़े हुए, अगर मैं कुछ करना रहा होता तो 18 FIR मेरे ऊपर ना कड़ी हुई होती, अगर मैं कुछ करना रहा होता ना तो 2 असेंबलियों में मेरे खिलाफ करारदादे ना पेश करके मंजूर हुई भी होती, मैं कुछ करना रहा होता ना तो अकाबरीन मेरे बारे में डायरेक्ट वीडियोस ना बना रहे होते, मैं कुछ ना कर रहा था तो 28 उलमा ताघूत के बारे में अचानक वीडियोस बनाने में मजबूर ना होते, गलती बनाई है मगर एटलीस्ट बनाई है। मैं क्या तफसील बतानी है आपको, मेरी तरफ से आप समझें कि मैं
काफर हूं, मुनाफिक हूं, जो भी हूं, मैंने बताना नहीं है, क्योंकि आपको बताने के लिए सवाब नहीं करने, मैंने अल्लाह को बताने के लिए करने। शाबाश, अल्लाह अपना ख्याल रखें, और अपने आप को, अपने इमाम को हुसैन कहना तब तक शुरू ना करें जब तक उसके ऊपर अमल ना शुरू करें, ठीक है। हुसैन ने जान दी थी, अपने बच्चे दिए थे, ठीक है, आके ताना जनी नहीं की थी किसी के ऊपर। जी हसन, लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। मानूर जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ बेटा। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर हम लोग सर, जैसे यहूदी ने सर एक प्लान बनाया था, स्ट्रेटजी बनाई थी एक दूसरे को सपोर्ट करना, सारा कुछ सर उन्होंने स्टार्ट किया था, तो क्या सर हम उस तरीके से स्टार्ट नहीं ले सकते सर? मतलब कितनी एक उम्र है दूसरे आपकी? को। जी सर, आपकी उम्र मैं कितनी? 25 की हूँ सर। बच्चे हैं आपके? जी सर, मेरे 2 बच्चे हैं। अब उनको तैयार करें आप। बाकी की कौम ने तो फैसला और कस्में खा ली है कि हम किसी को एक साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे किसी के साथ। अपने बच्चों को देने वाला बनाए, गिवर नहीं बनाए। नहीं सर, सर मैं और बेटा सपोर्ट वहां की ये बात कर रही हूँ सर, मैं सपोर्ट की ये बात कर रही हूँ कि जैसे कि इसराइल में सर कोई अगर बिजनेस भी स्टार्ट करता है या कुछ भी स्टार्ट करता है, तो सर उनको उसी का उनके जवाब दे लोग रहा हूँ, ही उसी पहले का सपोर्ट जवाब दे करते रहा हैं। हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। याद रखिएगा, सपोर्ट वो करता है अपनी कौम को जो जिसके अंदर दो बीमारियां नहीं होती, एक सेल्फिशनेस या लालच, हिरस, ठीक है। वो कैसे निकलती है, वो मैंने आपको इतने पहला तरीका बता दिया, बच्चों के अंदर से वो निकाल दें। वो कैसे निकलते हैं? बांटे सब कुछ बच्चे से, कहे जो तुझे देती हूँ बांट दिया कर, फिक्र ना कर, अगले दिन और आ जाएगा। ना आया तब मुस्कुराई, ठीक है, जब आया करे बांट दिया कर। ये है वो बंदे की निशानी जिसकी माँ बचपन से गिवर बनाती है, बड़े होके वो कौमे बनाता है। जिसकी माँ बचपन से हारिस बनाती है, वो कौमे खाता है, कौमों के अंदर दीमक की तरह लगता है जाके। ये माए और बाप है जो कि बच्चों के साथ ऐसे कर सकते, ज्यादातर माए हैं, क्योंकि बचपन में माँ के पास होता है ना बच्चा इन्फ्लुएंस। मगर जी सर, बाप कोई उससे वो नहीं, मुस्तस्ना नहीं है इस पे। तो दूसरा क्या करता है, एक लालची होता है, दूसरा डरपोक। डरपोक लेकिन माँ ही बनाती है, याद रखिए, बच्चा डरपोक है, कसूर माँ का। समझ गए बात? जी क्योंकि सर, 7वें साल के अंदर अंदर आपके अंदर वो करेज का एलिमेंट डालना जरूरी होता है। वो कैसे डालते हैं, वो भी ये तकरीबन यही तरीका है कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तकलीफ काटनी पड़ गई है, किसी के लिए खड़ा हो जाए, किसी को जाके बस में खड़ा हो जा, किसी को ये दे दे जाके, किसी को सामने कुछ ज्यादती होता देख जाके पकड़ लिए कर हाथ से। बच्चे आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कत्ल थोड़ी करेंगे, हम बचपन में ही रोक देते, ठीक है। बड़े होके टीन एजर्स के अंदर तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वो फिजिकली भी और मेंटली भी, और अब सबसे बड़ी बात है इमोशनली करेजियस हो। अगर उसके अंदर करेज नहीं है अपने माँ बाप के सामने चैलेंज क्रिएट करने की, तो वो दुनिया के हर जगह पर डरपोकी करेगा। इमोशनल करेज यील्ड्स फिजिकल करेज यील्ड, जो जिस्मानी कॉम्बैट या जहाद या जितना भी गली मोहल्ले के जिंदर कोई जुल्म हो रहा, जाके भाग के पकड़ ले या फिजिकली रोके प्रोटेक्ट कर लोगों को, ये इमोशनल करेज का बच्चा होता है। इमोशनली करेज, इमोशनली करेजियस बंदा ही फिजिकली करेजियस हो सकता है, ठीक है। वो इमोशनल करेज अमाएं जो है वो बचपन में निकाल लेते हैं, या वो डालती है। बहादुर बच्चे के पीछे बहादुर माँ का होना जरूरी है, बस याद रखिएगा, उस दिन माँ बहादुर बच्चा नहीं बना सकती। तो अपने आप को अच्छा पहले तो इस सर, इम्तहान में डालें कि हाँ भाई, मैंने बच्चे को, मेरा बच्चा कुर्बानी के लिए तैयार हो। और आपके जैसे पता क्या शैतान आएगा, ये साहिल मियाँ की बातों में आएगी ना, तो बच्चा भी हाथ चला जाएगा। लोगों के बच्चे तो कुर्बानी के लिए तैयार नहीं, और तेरे बच्चे ही कुर्बानी देगा हमेशा। ये पहला बार है जिसके अंदर ज्यादातर पाकिस्तानी माँ अपने बच्चे बुजदिल कर देती है, और फिर नवाज शरीफ पैदा हो जाता है। दैट्स हाउ इट हैपेंस। अच्छा सर, मैं ये कहती कि अभी आपने बात की थी जैसे कि वो एक पीछे एक लड़के ने सवाल किया था, कि मतलब आपने उसका जवाब में कहा कि अभी आप 25 के हैं, तो मैं आप लोगों को टारगेट इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप 50 साल के हो जाएंगे तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना ना। तो सर यही बात मैं कर रही हूँ कि अगर अभी से हम लोग स्टार्ट ले लेते हैं सर पॉलिटिक्स में, अगर अभी से स्टार्ट ले लेते हैं सर, हर बंदा अपने मोहल्ले अपने शहरों में उठना स्टार्ट हो जाता है, तो सर वो अगले कई सालों में ही जाके पार्लियामेंट तक भी पहुंचेगा ना सर, इसके बारे में आप क्या कहते हैं सर? अभी से स्टार्ट लेना चाहिए अभी क्या, अभी भी देर हो गई, पहले करना चाहिए। मैंने तो कहा है सर, ना कि ऐसा आपकी तो पहले चाहिए था, किस्मत लेकिन है, सर आप अभी आए ना। ये शैतान के तरीके हैं वार के, जो मेरे अंदर उतार देते हैं, इब्लीस खुद मेरे अंदर उतार, ऐसे नहीं करते होते। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लें। लास्ट क्वेश्चन, मानूर ने छोटा सवाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू मानूर। आप पिछले लास्ट क्वेश्चन, हसन चले गए, मैं खुद कर लेता हूँ। अहमद खलील, अस्सलाम वालेकुम, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अहमद खलील।
अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अलहमदुल्ला, थैंक अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई साहब, एक तो एक गुजारिश है, मैंने सोर्स कोड पे आपसे सेशन बुक करवाया तकरीबन 3 महीने हो गए, तो जो मुझे ईमेल में नंबर भेज रहे हैं वो भाई रिप्लाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं मुझे, तो एक तो ये गुजारिश है। दूसरा ये सवाल है कि आप जो ये तरीका नंबर बताया आपने, आप, ये आप चैट बॉक्स में वो नंबर लिख सकते हैं एक दफा मेरे लिए बस, मगर थोड़ा टाइम, इतना ही, इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है? इससे तो कई ज्यादा भी लगता है, मगर हम आप बहुत शॉर्ट कर चुके हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शॉर्ट हो चुके हैं, 3 to 4 months के अंदर अंदर कर देंगे, मगर कोई इमरजेंसी है तो मैं अर्जेंटली करवा देता हूँ, इमरजेंसी है तो। सर मैं चैट यहाँ पर ऑफ है तो काइंडली अगर इमरजेंसी में हो जाए तो वेल एंड गुड। अच्छा एक सवाल सर मेरा ये था, रुके 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 रुके, मुझे वो ये ना ना आप किसी और ही नंबर पे किसी फ्रॉड कंपनी में गए, रुक जाए, ये नहीं लिखे लिखे चैट में वो नंबर लिखे। ठीक है, मैं आपको नंबर सेंड करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हसन, आपको आवाज आ रही है? तो जी सर, आई कैन हियर। देखिएगा नंबर, अब हसन को लिखते हैं नंबर। जी, अगला क्वेश्चन पूछिए आप। सर एक क्वेश्चन तो ये है कि जो आप बता रहे हैं हमें और समझा रहे हैं, ये तो एक लाहे अमल है। मैं फलस्तीन के मौजू पे बात करना चाहता हूँ कि ये इसके आप बारे में लाहे फलस्तीन अमल बताओ फलस्तीन के बारे में, जी, ये तो लाहे अमल आप बता रहे हैं ना हमें। एक है हाल का अमर, जो अभी हाल का अमर है, जैसे अजान होती है तो हाल का अमर जो है वो नमाज पढ़ना है, ये हाल का और अमर एक बताता है हूँ, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, मगर इसका जवाब मैंने दिया हुआ है। आप जाहिर हर वीडियो तो नहीं आपने देखी होगी, इसका जवाब मैं तफसील से दे रहा हूँ। जी, तो देखिए, इसमें इस ये वक्त है जो कि हाल में ना, तीन तरह के लोग हैं आपके सामने। क्या जी आपका नाम था? अहमद। अहमद, तीन तरह के लोग हैं आपके सामने। एक वो जो रेगुलर बच्चे और खवातीन हैं, क्यों पाकिस्तान में वो मस्जिद नहीं जाते, ठीक है? तो उनको मैं फिर थोड़ी इस्तिस्ना देता हूँ, मगर छुट्टी तो उनकी भी नहीं होती, इसलिए उनको आखिर में डिस्कस करते हैं। एक वो जो है पावर में हैं, जो लोग जो पॉलिटिकल पावर में हैं या फाइनेंशियल बिजनेस लीडरशिप में हैं, या चौधरी साहब हैं, वडेरे साहब हैं, बड़े खान साहब हैं, जिनके मतलब कोई असर रसूख हैं, चाहे वो सियासतदान नहीं भी हैं तो उनकी अपने अपने इलाकों में कोई कोई से है, वो बात सुनते हैं लोग। एक वो है, और एक तीसरा वो है आम लड़का या मर्द, जो कि एम्प्लॉई है, स्टूडेंट है, जो भी करता है, अमूमी तौर पे तकरीबन 50% पाकिस्तान ऐसा, जो कि ज्यादा पावर नहीं रखता, बस अपने घर तक, दोस्तों तक और मस्जिद तक का सफर है उसका, ठीक है? अब काश के 50% लड़का मस्जिद जाता होता, बहरहाल आप बात समझ गए, ज्यादातर लड़के लड़के ऐसे ही। तो उनको मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि बेटा, ये तो आज का काम था, आज सुबह फजर का काम था कि फजर की नमाज के बाद मस्जिद नहीं छोड़नी थी, और मौलवी साहब से कह रहा था कि सर आपका राबता है आपकी सनद के अकाबरीन के साथ, अगर नहीं है तो ये बताएं आपको कि किसने भेजा मस्जिद में, हमें भी बताएं कहीं से तो आए आप। तो ज्यादातर बड़े शहर की मस्जिद औकाफ के महकमे में बरेलवी सेक्ट के अंदर बरेलवी अकाबरीन से लिंक होती है, देवबंदी सेक्ट के अंदर जो भी मस्जिद देवबंदी होगी वो देवबंदी अकाबरीन से, और ये दोनों कराची में लिंक होती है, और अहले हदीस भी कराची में होती है, मगर आप चलें इस वक्त लाहौर में कर लें। ये सब के सेंट्रल यूनिट्स जो हेडक्वार्टर है ना, कराची में है या लाहौर या इस्लामाबाद में। तो आपने मस्जिदों में आज सुबह, अब तो ईशा हो गई है, तो सुबह, कल सुबह फजर की नमाज के बाद से अपनी मस्जिदें छोड़नी तब तक नहीं है जब तक आप ये ना पता करें कि ये फतवा इशू क्यों नहीं कर रहे, कि या तो पाकिस्तान को आप दारुल हर्ब करार दे दें, या तो कर दें हमारा भी, हमें भी खत्म खत्म करे का नहीं, हम भी निकलें, या फिर आप कहें नहीं, मुसलमान यहाँ पे पूरी तरीके से, अब यहाँ पे रहना कोई हराम नहीं है, यहाँ पे हम वो इल्लत बिठा देते हैं हुक्मरानों के लिए कि ताकि नागुजीर हो जाए मुसलमानों का, कि इनको बदला तब्दील किया जाए, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नहीं रखते हैं, इस्तीफा नहीं देते, मौका आता तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर डाल देते, मगर डाल दिया तो फिर निकलो इधर से, इधर क्यों हमें कोई ड्रामा डाला हुआ है कि पार्लियामेंट हाउस भी कोई चीज है। तो तुम्हारे इस ड्रामे के पीछे जितने करोड़ों अरबों लगा के सारे पॉलिटिशियन एमएलए बने हैं ना, अरबों नहीं खरबों लगे हुए, जो सारे का सारा पार्लियामेंट हाउस है, इनको ये खरब से, इन्होंने एक महा खरब बनाने होते हैं, इनको नहीं कोई सरोकार के प्राइम मिनिस्टर असली हूं ताकत है कि नहीं, इनको पता है प्रोजेक्ट जितने भी आने उनका बजट का X% हमने लेना होता है, भाई ये तो बिजनेस है पॉलिटिक्स,
30 करोड़ रुपए की सीट में इलेक्शन लगाने, इलेक्शन जीतने के लिए लगाते हैं एक सीट के, तो पूरे करने हैं तो लगाने हैं। इतने तो अब सत्तारीदी नहीं है ना ये लोग सारे बैठे हुए, इन्होंने 30 के 300 बनाने होते हैं अपनी अपनी सीटों की पावर से, और बड़े काम होते हैं, बड़े तरीके होते हैं उसके। सो इनको ये सीटें चाहिए, अकाबरीन को ये सेंस दें कि सर इनको ये सीटें चाहिए, इनको इतनी हसने जान में ना रखें कि ये कोई पावर जगाने, इस्लाम नाफिज करने या कोई अखलाकी या इंसानी खिदमत के लिए आए हैं। नहीं 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 ये अपने खानदानों को केमन आइलैंड्स में, पनामा में, इंग्लैंड में, दुबई में ये फ्लैट लेने, बिल्डिंग्स खरीदने और जजीरे खरीदने के लिए आते हैं इधर, ठीक है। वहां पे रोज रॉयस रखे, यहाँ मेहरान चलाते हैं, ये ऐसे बदबख्त है। तो हमें पता है, अकाबरीन को समझाएं, उनको नहीं पता, बेसिकली सादा लोग होते हैं। और अगर नहीं पता तो उनसे कहें सर इस मसनत को, मेम्बर को छोड़ें, ये कारी साहब के लिए सूट नहीं करता कि आपको पता ही नहीं है कि शर कितना बड़ा है। आप फतवा किस बात का इशू करते हैं, आपको इतना ही बड़ा है कितना बड़ा इबलीस आ गया इधर। सो ये फतवा इशू करवाएं कि अगर हुकूमत ने हुकूमत में रहना है तो या तो हम डेमोक्रेसी हराम कर देंगे, या तुम्हें कह देंगे कि इस बंदे को, अगर इस बंदे के अंडर रहना इस्लाम के मुनाफी हो गया। तो लड़के इस फतवे के, मस्जिदों के तमाम तर अकाबरीन के तमाम तर फतावा, तीन तो टोटल बड़े बड़े अकाबरीन है, अहले तशय्यों को शामिल कर ले आप, इमाम बाद गाँव में जाए, वैसे हुसैन हुसैन करते हैं हर वक्त, शाबाश दसवीं मुहर्रम के बाद भी हुसैन कर रहे हैं, आए ना जरा मुहर्रम सफर चल रहा है, इधर एक दफा हुसैनियत दिखा देते हैं। तो आज का बात बता रहा हूँ, आज की सुबह फजर की बता रहा हूँ, ईशा तक आपको आंसर आ जाएगा अपने लोकल मस्जिद से। पहला आंसर आएगा कि सर जी क्या बातें करें, मुझे क्या पता कि सनत में कौन है ऊपर, मुझे तो लोकल डोनेशन में आई थी, यहाँ पे उन्होंने चंदे पे रखा हुआ है। पहला आंसर ये आएगा। 30% मस्जिदें आउट, कोई बात नहीं, उन मस्जिदों की बात करते हैं जिन मस्जिदों के अंदर वाकई में सनत याफ्ता उलमाए किराम ने अपॉइंटेड औकाफ के महकमे के थ्रू बरेलवियों ने बरेलवी रखा हुआ है, और जामिया मस्जिद कहते हैं उसको, जामिया मस्जिद में जाएं, हर जामिया मस्जिद के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। और डायरेक्ट कॉल मिलाए कराची और उनसे कहे सर या तो आप कहते हैं कि फलस्तीन के अंदर ऐसे मामला में फलस्तीन के अंदर जल रहा है, पाकिस्तान में रह के इन लोगों के अंदर रह के कुछ ना करना हलाल है और यही इस्लाम है, तो ठीक है आपके और आखिरत का मामला है। और अगर आप कहते नहीं मुजाहमत जरूरी है, तो मुजाहमत के लिए फतवे चाहिए होते हैं, फतवे इशू कर दें, दैट्स इट। इसमें कौन सी बड़ी मैंने परसों तरसों की बात की है अहमद साहब, या आज सुबह फजर की बात कर रहा हूं मैं, हाल का अमर बताया आपको मैंने, लाए अमल नहीं बता रहा हूं, अमर का सीगा है इसमें, अभी करो, ठीक है। सो नहीं मैं वो खाली ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि अगर आपने तनकीद मेरी इस स्ट्रेटजी के ऊपर या इस सोल्यूशन पर करनी है तो बेशक करें, हजार अप्रूव करें मेरी, ये ना कहें कि मैं भी फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हूं, भाई मैं सुबह फजर की बात कर रहा हूं, रात को ईशा तक पाकिस्तान रोड पे होना चाहिए, अगर तकी उस्मानी फतवा इशू करे तो नारे ना मारे कन्वेंशन सेंटर में जाके, शाबाश जितना तो इन्हें सभा बिल 48 घंटे में प्रूव करवाया आपने, ये भी करवा सकते थे आप। बरेलवियों के उलमा की बात करो, मैं अहले हदीस के मीर साहब की बात कर रहा हूँ, शाबाश किधर बैठे हुए हो, किसने आपसे कहा है कि ऐसे ही बैठ जाने से आप बच जाएंगे, 50,000 बच्चा मार गया मेरा फलस्तीन में, ऐसे ही बैठे हुए अशियां कर रहे हो तो बैठ के, कि यहाँ पे हम सकीना है सकीना, शर्म आने चाहिए, मर जाना चाहिए हमें ऐसे सकीना में। आपको इस सवाल का जवाब मिल गया कि हाल में अमर क्या है? जी, मुझे मिल गया, थोड़ा सा मुझे बात करने देंगे सर? जरूर कीजिए भाई साहब। ये जो आप कह रहे हैं फतवा इशू करना, ये तो ये कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि जिस मुल्क का वजीर आजम और सर जिस मुल्क का वजीर आजम और जिस मुल्क का आर्मी चीफ सूद मांगने के लिए मिन्नतें करे कुफार की और अल्लाह के खिलाफ जंग हम पर मुसल्लत करे, ये उलमा उनके खिलाफ फतवा नहीं दे सकते। मैं तो लाल मस्जिद के वाक्य से लेकर आज तक ये फतवे ढूंढ रहा हूँ, इनसे बैठ रहा हूँ, ये तो कह रहे हैं कि हमें कोई उठा लेगा, तो मैं तो इनसे कहता हूँ कि अल्लाह तुम लोगों को उठा ले, पता नहीं तुम लोगों के दिल में कौन सा डर है, मुझे तो ये फतवा नहीं दे रहे। मैं तो हर जगह पे गया हुआ हूँ, मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ इस मामले में, मैं तो ऐसा फील कर रहा हूँ कि फलस्तीन के मामले में जंगल में। अहमद साहब एक चीज मैंने मिस कर दी, मेरी गलती है, अकेले जाएंगे तो फिर नहीं होगा, मुल्ला पूरा जाएगा, आधा भी मुल्ला चला गया जिस दिन जुम्मे में, जिस दिन जुम्मे में आता है ना मुल्ला, वो उससे आधा भी चला गया तो फतवा आ जाएगा, अकेले जाने से नहीं आएगा, बस इतनी सी बात। कल मुलाकात होती है आप सबसे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको
शऊर में रखे, शऊर की तरफ बढ़ाए, अल्लाह ताला फरासत में इजाफा करे, और सबसे बड़ी बात अल्लाह अज़्ज़ा वजल फलस्तीन की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमसे भी ऐसे काम ले ले कि जिसके थ्रू हम आखिरत में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हौज़े कौसर पे शर्मिंदा ना हों, और अपने बच्चों को भी इस काबिल कर दें कि हमारे मरने के बाद, हम जब उठें मरने के बाद कब्र में जाएं, तो फरिश्ते हमें कहें बच गए अपने बच्चों के अमाल की वजह से बच गए हो। अल्लाह ताला हमारे बच्चों से भी दीन के बड़े काम ले। आमीन सुमा आमीन। जी जी, मुझे अनम्यूट किया गया है तो मैं पूछ सकती हूँ या आपने जाने? जी, क्या नाम है आपका? सोबिया। ख्याल से आपके सवाल का जवाब छोटा होगा या बड़ा? आप सुन लें, अगर आप नहीं जवाब दे सकते अभी तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट सेशन में या किसी अपनी वीडियो में डाल दीजिए। ये नहीं, आप पूछिए। सॉरी। जी, सवाल कुछ ऐसा है कि आजकल के जो हालात हैं उम्मत के, इसको हमें बाहर निकालने के लिए दो माइंडसेट्स मेरे जहन में सामने आते हैं। एक वो है जो आप जिसके ऊपर माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं, और वो ये कि हमें प्रोग्रेस करना है, डेवलप करना है अपने आप को हर फील्ड में, स्टेम्स में, फाइनेंशियली, यानी सवाल क्या सोच? हर फील्ड में हमें अपने आप को आगे करना है। दूसरा एक माइंडसेट ये आता है कि जिसमें बहुत से लोग, बहुत सी यानी डिफरेंट रिलीजन के लोग भी जिसपे अब जिसकी तरफ जा रहे हैं, वो ये है कि आप उससे वाकिफ होंगे, जैसे ऑफ ग्रेडिंग, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, यानी कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी से ब्रेक अवे करें, डिपेंडेंसी सिस्टम से ख़त्म करें, और यानी कि ऑफ ऑफ द ग्रिड जो है जाके आबादियां करें, और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को अटेन करें। तो थोड़ा सा वेग सा सवाल है, लेकिन दोनों माइंडसेट्स अपनी जगह सही समझ में आते हैं, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू रेकंसाइल द टू कॉन्सेप्ट्स। हाउ डू वी एडवांस आवर सेल्फ इन ऑल द फील्ड्स? एक तो ये था कि हम पावर में आए, दूसरा क्या था? सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं। टू कॉन्सेप्ट्स, शी सेड वी कैन नॉट रेकंसाइल द टू कॉन्सेप्ट्स। आई कैन गेट द जी वन कॉन्सेप्ट व्हिच आई एम फोर्स प्रोपेगेटिंग फॉर, कि आप ताकत जी में आए, जी सियासत में आए, पैसों में आए, या ताकत मतलब जोन में आए, अपनी अपनी स्ट्रेंथ में रह के इस्लाम को बिल्कुल नाफिज करने के बिल्कुल। लिए। एक ये, दूसरा व्हाट इज द अदर कॉन्सेप्ट व्हिच यू आर? दूसरा, इन अ वे, मतलब द वे आई अंडरस्टूड इज कंप्लीटली ऑपोजिट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, कि आप बिल्कुल ब्रेक अवे करें सिस्टम से। यानी मैं कुछ कम्युनिटीज को जानती हूँ, ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इवन पाकिस्तान में रहते हुए दे आर ट्राइंग टू डेवलप कम्युनिटीज जो रूरल एरियाज में जाके जो है सेल्फ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अडेप्ट करें, जिसमें गवर्नमेंट की कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंस ना हो। और एमिश मुस्लिम्स, AMS, या हाँ जी नो? बिल्कुल बिल्कुल। और आई नो, आप बिल्कुल, और पूरी यानी इवन अब वही वेस्ट में भी, यानी नॉन मुस्लिम्स के दरमियान भी इसको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, ऑफ ग्रेड या होम स्टेडिंग, जिसमें आप यानी वेयर के मॉडल सेल्फ विलेज सस्टेनेबल हो। फार फार अवे, ऑर्गेनिक, गो ग्रीन, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन बिल्कुल एनीथिंग। या आई नो, मुर्गियां बिल्कुल पालो, बकरियां पालो, बिल्कुल या आई नो, एमिश मुस्लिम्स। बिल्कुल। तो तो एक तरफ वन वो एक लाइफस्टाइल बहुत, एक वो लगता है कि यस मे बी दैट इज द नॉट वे। रेकंसाइल दीज टू, दीज आर नॉट टू बी रेकंसाइल। दे डोंट बिलीव इन आइदुल्लाहुम मस्तता तुम इन कुआ, दे डोंट बिलीव इन दैट। वो कहते हैं कुरान में बस पूरा, देखिए मैं असूल बताता हूँ आपको, जब तक पूरा कुरान नहीं ना प्रेजेंट करते किसी को, खुदा का वास्ता आधा ना करना। आप बेशक एक आयत की तबलीग करें, मगर पूरे कुरान के फलसफे के साथ करें। ये नहीं होता सर हमने 6 सफ़े छुपा के आपको बाकी का दिखाना है, ऐसे नहीं होता। ये मुनाफिकीन की निशानी, ठीक है? अल्लाह ने इसके कॉन्सेप्ट के खिलाफ आयत बताई है कि ये बाद आयतों पे ईमान लाते हैं, ठीक है, और बाद आयतों पे कुफर करते हैं। अफतो बिनू नबी बाद, किसी आयत पे ईमान ले आते और किसी और आयत का इनकार कर देते। तो क्या मतलब है इस बात का भाई? पूरा कुरान पूरा का पूरा ईमान लेके आएंगे और हर चीज पूरी करेंगे उसकी, दावत उसमें से एक एक दो दो तीन तीन करके, मगर स्ट्रक्चर पूरा दिखाएंगे। भजन जहाज भी उतना ही करना जरूरी है जितना रोजा रखना। कुतिब अलैकुमुस सियाम कुतिब अलैकुमुल कितार,
कोई फर्क ही नहीं है, वजन भी सेम है आयात का, ठीक है, मगर ये नहीं हो सकता कि नहीं वो मक्का के दौर में रह रहे हैं तो हम बाकी की चीजें अब्जॉर्व करते, तो बाकी की चीजें आपको किसने कहा है कि आप मक्का के दौर में रह रहे, किसने मतलब अल्लाह ने कहा है, आपने पिंडी के दौर में मक्का बना लिया है, मक्का भी मक्का के दौर में ही नहीं है इस वक्त, तो तुमने पिंडी में मक्का का दौर शुरू कर दिया है और समझ लो कर दिया है, तो जाओ ना मदीना, आपको किसने अल्लाह की वही करनी है, आप नहीं वही आएगी आप पे कि चलो मदीना चले, अल्लाह का हुक्म आ गया, जो जो भाई साहब भी कहते ना ये मॉडल विलेज वाले मक्का के दौर में रह रहे हैं, ये वो है एमिश मुस्लिम बाय द वे, ये उनका फलसफा मुझे पता है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मक्की दौर में हम क्या करें, मक्की दौर में हमें पता है क्या करें, मक्की दौर में हैं तो मदीना जाएं, समझ रहे, उकबा के साहबी ढूंढने पावर में आए, शहर ताबे करें, सिस्टम लॉ एंड रेगुलेशन पॉलिसी एंड प्रोसेस नाफिज करें, मक्का के दौर में जो भी रह रहा है उसके लिए कह रहा हूं, स्पेशली ये जो सफेद गोली वाले मौलवियान के ताबे हुए मुसलमान हैं, मीठी मीठी बातें की तो साहिल इतनी एग्रेशन किस लिए है तुम्हारे अंदर, लोगों को मुस्कुरा मुस्कुरा के बताया करो कि नमाज पढ़ लिया करो बेटा, पहले वो नमाज पढ़ेंगे तो फिर आप आगे की बात करेंगे, जब वो रोजा रखेंगे तो फिर वो हज की तरफ जाएंगे, जब वो हज कर लेंगे उसके बाद वो दावत की तरफ आएंगे, दावत कर लेंगे अल्लाह की राह में सरोजा लगाएंगे, चिल्ला लगाएंगे, चार माल लगाएंगे, तो वो उनका ईमान बनेगा कि वो जहाद में जाएंगे, तो उनके लिए बस इतना सवाल है, वो जॉन पीटरसन जो इराक में 1600 बच्चे मार गए, जॉन पीटरसन वो हज करके आया हुआ था रोजे रखे हुए थे उसने, वो समैन था जो अमेरिकन औरत फौजी जो मैसेकर करती है, वो मतलब बेहुरमती करती है मुसलमानों के बच्चों की लाशों की इराक में, या अफगानिस्तान में जितने भी फौजी उतरे हैं गैर मुस्लिमों के, वो क्या बिया मक्का आए थे गैर मुस्लिमों के ऊपर किसी भी लेवल का कोई मतलब, कलमा तो दूर की बात है, वो तो डैरी होते हैं सारे, वो अपने सिस्टम के लिए जहाद पूरा कर रहे हैं बगैर किसी ईमान के, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका के लिए, इधर बैठे में हम कह नहीं सर, हमें तो 50 साल के ना, पहले साधु बनूंगा मैं, फिर जिक्र इलाही, उसके बाद कुर्ब इलाही, उसके बाद एक नहीं एक मेरे पे नऊज बिल्ला वही आएगी, उसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये दो नंबरी शैतान सिखाता है इनको, ताकि 18 साल का लड़का किस तरीके से 28 साल का बाबा हो जाए और बीच में कुछ भी ना करे, बस दरख्तों की छाया में बैठे, माओ के परों से ना निकल सके, जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर बैठ के बताए कि बेटा माँ के कितने को तेरी माँ की कितनी खिदमत की, और तू भी अपनी माँ की खिदमत कर, क्योंकि अपनी बीवी को खुश करने के लिए लेक्चर ने बेटे को दिया था, बेटा अगर मुसलमान निकला है तो कहता अबू जी मोहल्ले पूरे में जना रिश्वत कत्ले आम चल रहा है, आप यहाँ पे बैठे ज्वाइंट फैमिली में मेरी माँ के पैरों तले डाल रहे हैं, आपको इतना नहीं पता था कि एक दिन आपका घर भी खाया जाएगा, माँ की ये खिदमत है कि तबाही कर दे पूरे के पूरे घर को, आपने सोचा भी नहीं अपने खानदान के अलावा किसी का, इतने बेशर्म थे, ऐसा कोई कह नहीं रहा, कुरान सुना के नहीं दे रहे अपने अपने बापों को, अपने अपने मौलवियों को नहीं कुरान सुना के दे रहे, सर आधा कुरान क्यों सुना रहे हो, आधा कुरान क्यों सुना रहे हो, कि जो निकट्टा आप यानी कि आप पर आ जाए तो आपका काम है उसकी इताअत कर, बस यहाँ पे हदीस काट दो, पूरी हदीस है निकट्टा आपसी भी आ जाए और अल्लाह उसके रसूल की राह पे तुम्हें लेके जाए तब उसकी इताअत करना, इसका मतलब था वरना ना करना, इन्होंने वो आधी हदीस सुनानी नहीं है मिंबरों से, क्यों एमिश मुस्लिम्स बेटा, एमिश मुस्लिम्स, दीज आर नहीं, मैं प्योर आपकी एमिश बात बिल्कुल मुस्लिम्स, समझ रही हूँ। हाँ जी, मैं आपकी बात ये समझ रही नहीं हूँ, आप समझ लेकिन रहे हैं, मुझे आप पता है बेसिकली आपको बस ये बता रहा हूँ, ये रेकनसाइल ना करें, इनको रिजेक्ट करें, कॉल अ स्पेड ठीक है, जाहिल को जाहिल, कुफर को कुफर, गलत को गलत, सही को सही, नफाक को नफाक कहना, इस्लाम में एक जितनी डिग्रीज हैं, ये नहीं हो सकता कि हम कसरे नजर करेंगे, कसरे नजर करेंगे सर, तो कसरे नजर करोगे, शबाश काला नजर आए काला बोलो, सफेद नजर आए सफेद बोलो, सही नजर आए सफेद सही बोलो, गलत नजर आए गलत बोलो, चाहे अब्बू हो चाहे अम्मी हो, कहना तो पड़ेगा, बचपन से बच्चे चैलेंज करेंगे तो फिर आप कहेंगे ना बेटा मुझे तो बड़ा गलत कह रहा था, शाबाश सुबह तो तू उठता नहीं, डिसिप्लिन करना अपने आप को, डिसिप्लिन कर, तू तो बड़ा उमर उल खत्ताब की बातें करता है और टेस्ट अपने बाप को करता है उमर खत्ताब के, खुद तू उत्बा बिन वलीद के मॉडल के ऊपर 6-6 बजे शाम को उठता है, सारे सारी रात यूट्यूबिंग करके, समझ रहे, बच्चे को उस साइकिल में डाले जिसमें वो ताकत में आ रहा हो बचपन से ही, और पता हो स्केल सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, स्टेंसिल मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब जाके बच्चा तैयार होगा,
ये माओं के नखरों में बच्चे कमजोर हो जाएंगे, माओं के अरमान और माओं के डर बच्चे को खत्म कर देते हैं, कैंसर की तरह खत्म कर देते हैं, स्पेशली लड़कों को। और ये मैं 18 साल के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, इतना नस्वानी मर्द मैंने किसी भी दुनिया की हिस्ट्री में, किसी भी औरतों के जनान खानों में नहीं कभी मैंने देखा। मैं जनानियों की बात कर रहा हूँ, जनान खाने में जनानी होती है। इतना नस्वानी मर्द हमने पैदा किया है ना कि उसके हाथ टेढ़े हो गए हैं, लहजे में नफासत करते करते यहाँ तक कि वो अब जनानापन आ गया है, जाके बातें करनी है, काम करनी है सलाम के, उसको तो 2 घंटे गर्मी में रखो तो उसको ऐजा हो जाता है। इनसे कहीं डेमोक्रेसी के वोट डालने के लिए छतरियां खोल खोल के बैलेट बॉक्स के आसपास घुमा करेंगे, ये काम है डेलीगेट द बिग थिंग्स समवेयर एल्स, खुद इन्होंने कुछ नहीं करना। तो जब वो खुद कुछ ना करने वाले लड़के पाए जाए कौम के, तो कौम की माओ को पकड़ा करें कि इतना क्या डर था तुम्हें बेटा, इतने डर तुमने नाले के बच्चे को आदमी को औरत बना दिया, फिर तुम एलजीबीटी वालों को गालियां देते हो। वो एटलीस्ट एक्टिविस्ट हैं अपने काम के, ये तो एक्टिविस्ट भी नहीं होने अपने काम के, समझ रहे। जी सर, अमेरिका तो के आप ये नहीं, आप ट्रांसजेंडर ये कह रोडों पे रहे आ थे, जाते हैं और लड़ाइयां करते हैं अमेरिका के ट्रांसजेंडर, हमारे ये मर्द नुमा मखलूकात इन्होंने लड़ाइयां करनी है। ये सिर्फ कीबोर्ड पे बैठ के ये ताने दे सकते हैं बस, दे आर नॉट रियल मैन राइट नाउ। एंड आई ब्लेम ऑल द पेरेंट्स फॉर नॉट रेजिंग इनफ मैन मैन एंड मैनहुड की कमी जो है ना, वो पेरेंट्स ने पिछले साल खत्म किए। इतना नेटफ्लिक्स देख लिया आपने, इतना यूट्यूब देख लिया कि आपको उल्टी आ गई, और वो उल्टी पूरी की पूरी अपने बच्चे के कैरेक्टर पे कर दी। तोबा, दिस इज शेमफुल। ओके, यू गॉट टू फिक्स इट। विमेन, माय सिस्टर्स एंड माय मदर्स इन पाकिस्तान, आई एम टेलिंग यू, यू आर द वन एट फॉल्ट फॉर नॉट रेजिंग इनफ मैन इन द हाउस। ओके, बिकॉज ये 8 या 10 या 12 या 13 साल के अंदर अंदर डेफिनेटिव कॉन्स्टेंस डालने पड़ते हैं लड़कों में। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कड़ी निगाह रखनी पड़ती है कि भाई ये ना हो कि लड़का जो है ना वो डरपोक हो जाए, करेजियस करेज का एलिमेंट कम हो जाए, या फिर एक्सपोजर इसका कम कर दूं उन जगहों पे जहां पे इसने अपना मसल गेन करना था, जहां पे इसका एक्सपोजर उन चीजों में होता है जहां पे इसको इसका डर काउंटर होना था, फियर को फेस करना चाहिए इस लड़के को। ही हैज टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, नॉट जस्ट मी एज मदर और सिस्टर। और दुनिया को भी प्रोटेक्ट कर सकता तो अपने घर को भी नहीं प्रोटेक्ट करेगा, याद रखना। ये बहुत जरूरी है। वाहिदुल्लाहुम्मस्तता तुम इन कुआ में, कुआ जो है की एलिमेंट है, की एलिमेंट। वो कुआ किसे कहते हैं? वो सबसे पहले कॉन्फिडेंस को कहते हैं, कॉन्फिडेंस को। ये एसेंस है इस आयत का कि मुसलमान हर वक्त कॉन्फिडेंस में रहे। आई होप एवरीवन इज क्लियर जी सर, एंड तो बी आप वेरी ये एलर्जिक टू दोस एमिश मुस्लिम्स। ओके, दीज आर द पीपल हु आर गिविंग अ पैरेलल सिस्टम, ला रहबानिया फिल इस्लाम। नबीम की डायरेक्ट हदीस है, मुस्तनद हदीस है, ला रहबानिया फिल इस्लाम। ये गोशा नशीनियाँ खलबतें ये इस्लाम में नहीं है। सेंटर ऑफ द सिटी के अंदर बैठ के काम करेंगे आप, सिस्टम के सेंटर में आपके पावर होनी चाहिए। बैठ गए जाके मियाँ वाली के दूर दराज कस्बे में, या बारको के वो कौन क्या से कहते हैं मरी के पीछे, या कश्मीर के कोटली में, या बरनाले शरीफ में, यहाँ पे बैठ के नहीं काम होने वाले। इस्लामाबाद आना पड़ेगा, ताकत में आना पड़ेगा, पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में, शाबाश ताकत पकड़ो। कराची के बिजनेस पकड़ने पड़ेंगे, समझ रहे हैं, लाहौर की आईटी इंडस्ट्री पकड़नी पड़ेगी, सारे 2 नंबर कॉल सेंटर वाले आईटी वाले लाहौर बैठे हैं, पकड़ो सब। अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट नहीं है। वैक्यूम छोड़ दिए इन फ्रॉडियों ने, फिक्र नहीं करो, फिल करो मुसलमानों। टेक ओवर मनी, टेक ओवर पॉलिटिक्स, टेक ओवर इन्फ्लुएंस, मोस्ट ऑफ ऑल टेक ओवर मोरल एक्यूमेन। निशानियां नजर आनी चाहिए कि हाँ भाई इन लोगों के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं आप, ये अपनी मोरालिटी में कैरेक्टर में पक्के हैं, 4 पिलर्स पूरे करेंगे, वरना खुदा का वास्ता ये एहसान ना करें किसी के ऊपर कि आप लोगों को दावत करें, आधे पुधे इस्लाम की परसेंटेज ऑफ इस्लाम दे दिया, बाकी का परसेंटेज छुपा दिए। ओके, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस एंड आई होप वी हैव अ प्लान फॉर टुमारो, नॉट अ वीक फ्रॉम नाउ, नॉट अ मंथ फ्रॉम नाउ, आई होप यू हैव अ प्लान फॉर टुमारो फॉर आवर सेल्व्स एंड आवर किड्स। टुमारो इतना अर्जेंट मैटर है ये। ओके, प्लान फॉर टुमारो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया आने वाला कल आज से बेहतर नहीं है। इस्लाम, इस्लाम के एसेंस को पहचाना नहीं हो, मफहूम सुना रहा हूँ। अदरवाइज बड़े सख्त हदीस है कि आप इस्लाम के पास भी नहीं फटक रहे, मेक श्योर योर टुमारो बेटर बी वे बेटर देन जस्ट टुडे। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।